गुड मॉर्निंग। आज का अपना जो टॉपिक है वो डेटा लॉगर रहेगा, जिसमें अपन बात करेंगे डेटा लॉगर क्या होता है, इसका उपयोग क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, और ये इक्विपमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस रहते हैं, और इसकी रेलवे सिग्नलिंग में क्या उपयोगिता है उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डेटा लॉगर स्टार्ट करने से पहले अपन बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग में पढ़ाया था कि सिग्नलिंग की जो आवश्यकता है वो ट्रेनों के अधिकतम सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। रेल की जो सिग्नलिंग व्यवस्था है ये आपके लाइन कैपेसिटी को बढ़ाती है और सेफ्टी को सुनिश्चित करती है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, अपने पास जो सिग्नलिंग व्यवस्था थी वो मैकेनिकल सिग्नलिंग व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत जो भी गियर ऑपरेट होता है और वो जिस गियर के द्वारा ऑपरेट होता है तो वो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते थे किसी न किसी माध्यम के द्वारा। तो जब आप उनको ऑपरेट करते थे तो उसमें कहीं प्रॉब्लम आता था तो विजुअली उसको चेक किया जा सकता था। लेकिन उसमें क्या ड्रॉबैक था, मैकेनिकल व्यवस्था थी, उसको ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती थी और वियर एंड टियर ज्यादा होता था तो उसको बार बार मेंटेन करना पड़ता था, उसके लिए आपको ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, ये उसका एक मेजर ड्रॉबैक था। दूसरा, उसमें क्या ऑपरेशन में टाइम ज्यादा लगता था और आउटसाइड इंटरफेरेंस की संभावना वहां पर ज्यादा रहती थी, जिसकी वजह से क्या था कि आपका जो है सेफ्टी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था, और दूसरा आपकी जो लाइन कैपेसिटी है कहीं ना कहीं उसके द्वारा इफेक्ट हो रही थी, जिससे अपन अधिकतम गाड़ियों का संचालन सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद अपन को नए व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई तो उसमें अपन इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग व्यवस्था में गए। तो एक्चुअली ये स्टेप बाय स्टेप एडवांसमेंट है। सबसे पहले अपने पास मैकेनिकल इंटरलॉकिंग व्यवस्था आई थी, उसमें एडवांसमेंट हुआ तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, जिसके अंदर अपन ने क्या किया, जो मैकेनिकल गियर ऑपरेट हो रहे थे और उस पर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल लगा करके अपन अधिकतम दूरी के गियर का संचालन सुनिश्चित किया और सेफ्टी वहां पर को इम्प्रूव्ड किया थोड़ा सा। लेकिन वहां पे भी मैकेनिकल सिग्नलिंग व्यवस्था के ड्रॉबैक बने रहे और ह्यूमन एजेंसी के द्वारा जो सेफ्टी जो थी वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। तब अब लगा भाई जब गाड़ियों की संख्या और बढ़ी और जब ज्यादा सुरक्षित संचालन की जरूरत महसूस हुई तब अपन गए इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग व्यवस्था में। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग व्यवस्था में क्या होता है कि आपकी जो सारी सिग्नलिंग की जो सुरक्षा सुनिश्चित जो है वो मैकेनिकल व्यवस्था के द्वारा ना करके अपन एक इलेक्ट्रिकल व्यवस्था के द्वारा करते हैं, और उसके लिए अपन क्या करते हैं रिले सर्किट का काम में लेते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्यवस्था में आप क्या करते हैं, अपन इंटरलॉकिंग की जो सारी शर्तें हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा सुनिश्चित करते हैं और उसके लिए अपन रिले का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, अब आपका जो ऑपरेशन जिस गियर का कर रहे हो और जिसके द्वारा उसको ऑपरेट किया जा रहा है अब वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे। अब इस व्यवस्था में क्या हुआ, आपका एक ऑपरेटिंग एजेंसी है, वहां पर आपने एक पैनल बनाया, वहां से कमांड आपका एक इंटरलॉकिंग रूम रहता है जिसको अपन फील्ड में रिले रूम के नाम से जानते हैं। ये कमांड पहले उस इंटरलॉकिंग रूम में जाता है, वहां पर फेवरेबल कंडीशन को चेक करता है और उसके बाद फील्ड को वो कमांड भेजता है। फील्ड में गियर ऑपरेट होता है, उसका रीडबैक वापस रिले रूम में आता है यानी इंटरलॉकिंग रूम में आता है, उसका रिफ्लेक्शन वापस आपके पैनल पे जाता है। यानी अब आप जहां से कमांड दे रहे हो और जो गियर ऑपरेट हो रहा है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसके बीच में एक इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था आती है जिसको अपन रिले इंटरलॉकिंग या इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है जो भी कमांड आ रहा है पहले रिले रूम में जाता है, फेवरेबल कंडीशन चेक करता है और फील्ड में उसको कमांड भेजता है। अब यहां पर इंटरलॉकिंग की शर्तों को चेक करने के लिए अंदर आप रिले लगाते हो तो यहां पर ये नंबर ऑफ रिले की जो संख्या है वो आपके यार्ड में नंबर ऑफ रूट पे डिपेंड करती है, क्योंकि रिले का एक एडवांटेज तो है अपन एक ही कंट्रोल के द्वारा अधिकतम गियरों का संचालन या कंट्रोल कर सकते हैं रिले के द्वारा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि लिमिटेशन ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से आपको यार्ड में जितने रूट्स बनते हैं तो उसके हिसाब से आपको इंटरलॉकिंग की शर्तें जो भी आवश्यक शर्तें वो कहीं ना कहीं वापस रिले को प्रूफ करना होता है, तो वहां पर आपके यार्ड में रिले की संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें ड्रॉबैक क्या आता है कि आपके नंबर ऑफ रिलेज की संख्या जब बढ़ती है तो उसकी वायरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और दूसरे आपके जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं एक्चुअल में मैकेनिकल कॉन्टेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेट होके प्रेशर लूज होने की वजह से या वहां पर कार्बन क्रिएट होने की वजह से वहां पर इंटरमिटेंट टाइप के वो फेलियर्स देते हैं।
जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग व्यवस्था में जब आपका इंटरनल जो फेलियर्स आता है, तो फेलियर्स क्यों आ सकता है, एक तो आपके ड्राई सोल्डर की वजह से आ सकता है, दूसरा आपका कॉन्टेक्ट में हाई रेजिस्टेंस की वजह से आ सकता है, रिले लूज होने की वजह से आ सकता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या दो तरह के फेलियर्स आते हैं, एक तो आते हैं परमानेंट फेलियर, उसको ट्रेस करना आसान है, लेकिन जो इंटरमिटेंट टाइप के जो फेलियर्स आते हैं, मेक ब्रेक जो होता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो उसको यहाँ पर ट्रेस करने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ रिलेस ज्यादा रहेगी तो उसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा होती है। जब वो कोई गियर फेल होता है तो उसको या ट्रबल करता है तो उसको ट्रेस करने में यहाँ पर ज्यादा टाइम लगता है, ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा इसमें क्या है, फ्यूचर में जब कभी अल्ट्रेशन करना होता है या इनिशियल में जब अपन इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। और तीसरा इसमें ड्रॉबैक है कि जब अपन कोई नया स्टेशन बनाते हैं तो उसका जो सर्किट डायग्राम जो पेपर पे डिजाइन किया जाता है तो उसको आप पहले चेक नहीं कर सकते। सर्किट डायग्राम तो बना लेते हो, सर्किटरी तो चेक कर लेते हो, लेकिन उसका जो फिजिकल या जो करेस्पोंडेंस टेस्ट होता है वो आप बगैर इस सर्किट को इंस्टॉल किए नहीं कर सकते। जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप कोई नया स्टेशन बनाते हो या अल्ट्रेशन करते हो तो इसका जो टेस्टिंग होता है वो साइट पे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर NI पीरियड यानी नॉन इंटरलॉकिंग जो पीरियड होता है, जिसके अंदर अपन उस सर्किट को चेक करते हैं, जिसमें सारे फेल सेफ मानक जो भी बनाए गए हैं, इंटरलॉकिंग की जो भी शर्तें हैं वो सारी उसमें चेक की जाती है, जिसकी वजह से इसमें टाइम ज्यादा लगता है। कब, जब न्यू इंस्टॉलेशन करना होता है और या फिर कभी फ्यूचर में अल्ट्रेशन करना होता है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ये इसके मेजर ड्रॉबैक्स थे। दूसरा मैंने बताया था इंटरमिटेंट टाइप के इसमें फेलियर्स आते हैं तो उसको ट्रेस करना आसान नहीं होता था, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता। तो इसी चीज को देखते हुए बाकी इसमें एडवांटेज तो ये बढ़ गया था, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग व्यवस्था थी तो यार्ड में लंबी दूरी तक आप गियर को ऑपरेट कर सकते थे, यानी इसमें सेंट्रलाइज ऑपरेशन पॉसिबल था, और सेंट्रलाइज ऑपरेशन पॉसिबल था जिसकी वजह से क्या था, ह्यूमन एजेंसी पे जो डिपेंडेंसी थी जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल और मैकेनिकल में था, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल में था क्या था कि गियर की लिमिटेशन थी, ज्यादा दूरी के गियर आप ऑपरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए बड़े यार्ड के अंदर आपको क्या है ह्यूमन एजेंसी पे डिपेंड रहना पड़ता था ऑपरेशन के लिए। लेकिन रिले इंटरलॉकिंग PI और RIA आने के बाद ये हुआ कि आप सेंट्रलाइज ऑपरेशन कर सकते हो, जिससे क्या हुआ ह्यूमन एजेंसी पे डिपेंडेंसी कम हो गई और सेंट्रलाइज ऑपरेशन पॉसिबल हुआ, जिससे क्या होता ऑपरेशन फास्ट हुआ और सेफ्टी लेवल यहाँ पर बढ़ा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो डिजाइन किया जाता है उसमें डिफरेंट टाइप के सर्किट को काम में लेते हुए सेफ्टी के जो मानक है यहाँ पर बढ़ा दिए जाते हैं। अगर आउटसाइड से कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेगा तो सर्किट फेलसेफ मोड में काम करते हुए उसको ऐसा करने से रोकेगा, यानी इसमें सेफ्टी का मानक बढ़ जाता है, जबकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ये व्यवस्था नहीं थी। तो जब इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग व्यवस्था आई तो इसमें ये जो मेजर ड्रॉबैक था इंटरमिटेंट टाइप और रोटो टाइप की जो फेलियर्स हो रहे थे उसको ट्रेस करने में यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा था, तब अपन को यहाँ पर एक अलग नए इक्विपमेंट की जरूरत महसूस हुई जो ये बता सके भाई ट्रबल कहाँ पर हो रहा है। तो उसके लिए अपन नया इक्विपमेंट लेके आए, वो था आपका डेटा लॉगर। नाम से पता चल रहा है डाटा लॉगर यानी डाटा को लॉग करने वाला, डेटा को स्टोर करने वाला। और डेटा कौन से हो गए, आपके सिग्नलिंग, क्योंकि आपके यहाँ पर जिस डेटा को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपका सिग्नलिंग के डेटा है। तो डेटा लॉगर आपका एक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नलिंग के डेटा को रियल टाइम क्लॉक के साथ मॉनिटर करता है और उसके स्टेटस को अपने पास स्टोर करके रखता है, और जब आपको आवश्यकता होती है उस समय ये उस डेटा को उपलब्ध करवाता है। अब यहाँ पर जो डेटा है वो आपके वापस दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक आपका होता है डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा क्यों किसको बोलते हैं, जो रिले का स्टेटस मॉनिटर करता है। यहाँ पर रिले की दो ही पोजीशन होती है, ऑन और ऑफ, या तो पिकअप होगी या ड्रॉप होगी, इसलिए इसको डिजिटल डेटा नाम दिया गया है। और दूसरा आपकी ये जो रिले है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर सप्लाई रिलायबल नहीं होगी तो ये भी ट्रबल करेगा, तो उसके लिए अपन को इसकी पावर सप्लाई को भी ऑब्जर्व करना रहेगा। तो वो जो अपन इस इक्विपमेंट में करते हैं वो एनालॉग डेटा के रूप में करते हैं। तो ये दोनों आपके सिग्नलिंग के डेटा कहलाएंगे, एक आपका एनालॉग डेटा है, आपका डिजिटल डेटा है, जिसमें डिजिटल डेटा के अंदर कर अपन रिले के स्टेटस को मॉनिटर करते हैं और एनालॉग डेटा के अंदर अपन वोल्टेज और करंट AC DC जो भी है उसके स्टेटस को मॉनिटर करते हैं। और आवश्यकता जब पड़ती है यानी इंटरमीडिएट टाइप जो फेलियर हो रहा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अपन को जब उस डेटा की आवश्यकता होती तब अपन उस डेटा का उपयोग करते हैं। तो समझ में आया होगा मैंने यहाँ पर आपको ये बताया, डेटा लॉगर एक आपका
माइक्रोप्रोसेसर आधारित उपकरण है जो सिग्नलिंग के डेटा को रियल टाइम क्लॉक के साथ मॉनिटर करता है और उसके स्टेटस को अपने पास स्टोर करके रखता है। उसके डेटा को अपने पास क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जिस जो अपनी किस में हेल्प करता है, फेलियर्स के दौरान या इंटरमिटेंट टाइप के जो ट्रबल आते हैं उसके दौरान वो डेटा अपनी मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन एसएनटी का ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। ब्लैक बॉक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एरोप्लेन जब भी क्रैश होता है तब एक न्यूज आती है जिसमें लिखा रहता है कि जो भी दुर्घटना हुई है उसका कारण अपन ब्लैक बॉक्स ढूंढने के बाद उसको एनालिसिस करने पे बताएंगे वो दुर्घटना क्यों हुई थी। सेम यहाँ पर आपका डेटा लॉगर भी क्या करता है, सिग्नलिंग के डेटा को रियल टाइम क्लॉक के साथ स्टोर करके रखता है। तो जब भी अपना कोई फेलियर, ट्रबल या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका वास्तविक कारण अपन को जब पता करना होता है तब अपन इस उपकरण की मदद लेते हैं। इसलिए इसको अपन एसएनटी का ब्लैक बॉक्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको एक वर्ड ही बताया था, सिग्नलिंग के डेटा। तो सिग्नलिंग के डेटा को दो भागों में बांटा है। एक आपकी रिले है जो आपकी इंटरलॉकिंग सर्किट में काम में ली गई है, दूसरा इस रिले को ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो उसमें पावर सप्लाई में आपका एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और आपका डीसी करंट रहेगा। तो यह उपकरण एनालॉग डेटा के रूप में एसी डीसी वोल्टेज और डीसी करंट को मॉनिटर करता है और डिजिटल डेटा के रूप में यह रिले के स्टेटस को मॉनिटर करता है और दोनों डेटा को अपने पास रियल टाइम क्लॉक के साथ स्टोर करके रखता है। तो ये आपका डेटा लॉगर का उपकरण, जहां पर अपन ने चर्चा की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों लेके आए और ये होता क्या है। अब अपनी जो रेलवे बोर्ड की जो नई पॉलिसी है उसमें गाइडलाइन दी गई है कि जहां पे भी पीआई, आरआरआई और ईआई होगा वहां पर डेटा लॉगर लगाना आवश्यक है। न्यू वर्क जहां पे भी होगा वहां पर पीआई, आरआरआई और ईआई अगर आपका है तो वहां पर डेटा लॉगर आपको लगाना आवश्यक रहेगा। ठीक है, डेटा लॉगर इज मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू रिले इंटरलॉकिंग पीआई, आरआरआई और यह इंस्टॉलेशन, उसके अंदर आपका ये जरूरी है। तो इससे फायदा क्या हुआ डेटा लॉगर लगाने से, तो मैंने आपको बताया था इंटरमिटेंट टाइप या ऑटो टाइप के जो फेलियर्स जो आ रहे हैं उसको अब अपन आसानी से यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं इस इक्विपमेंट की वजह से। जिससे क्या होता है आपका जो फेलियर ट्रेस करने में जो पहले टाइम लग रहा था वो यहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाता है जिसकी वजह से। और दूसरा, इस डेटा का प्रयोग अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कर सकते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाले फेलियर को यहाँ पर पहले ही टाला जा सकता है। जैसे मान लो आपका कोई चार्जर डिफेक्टिव हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले लग जाएगी, तो बैकअप में आपकी बैटरी चल रही थी, आपने पहले उसको चार्जर को अटेंड कर लिया, तो उसकी वजह से फ्यूचर में होने वाले फेलियर को यहाँ पर टाला जा सकता है। इसको बोलते हैं अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, इसका उपयोग करके अपन यहाँ पर फेलियर्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनको पहले ही रोक सकते हैं। जिससे क्या होता है यहाँ पर डिटेंशन कम होता है और डिटेंशन कम होने से क्या होता है आपकी लाइन कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है और ट्रेनों का जो सेफ्टी मूवमेंट जो होता है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अपन ने जनरल डिस्कस किया था डेटा लॉगर क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेटा लॉगर होता क्या है, तो एक्चुअल में इसमें एक आपका उपकरण है माइक्रोप्रोसेसर आधारित, ये फील्ड के जो डेटा है उसको रीड करता है, जिसमें दो तरह के डेटा आ गए आपके, एक डिजिटल डेटा में रिले का स्टेटस और एनालॉग डेटा में एसी और डीसी वोल्टेज का स्टेटस, उन दोनों को ये मॉनिटर करेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक फॉल्ट एनालिसिस सिस्टम होता है जिसको अपन यूजर इंटरफेस टर्मिनल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आवश्यक इंटरफेसिंग अगर सॉफ्टवेयर डला है तो अपन इसके डेटा को यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा लॉगर की एक और फीचर है कि इसके साथ प्रिंटर डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है और इसके कमांड को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर मेन मशीन इंटरफेसिंग टूल इसके पैनल के ऊपर ही आता है। यानी आपका जो डेटा लॉगर जो इक्विपमेंट है उसके पैनल के फ्रंट पर मेन मशीन इंटरफेसिंग के लिए यहाँ पर कुछ टूल्स दिए रहते हैं, जिसमें एक आपका कीपैड रहेगा और एक आपका डिस्प्ले यूनिट रहता है। ठीक है, जिसकी मदद से अपन डेटा को, अगर आपका कंप्यूटर वहां पर वर्क नहीं कर रहा है तो भी अपन यहाँ से कमांड दे के भी उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये जनरल ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर ये बताया गया डेटा लॉगर क्या क्या डेटा लेता है। तो मैंने बताया था सिग्नलिंग के डेटा, तो ये यार्ड का जो स्टेटस आपके जो रहेंगे पॉइंट, टीपीआर, सिग्नल, पैनल के जो ऑपरेशन आ रहे हैं, फिर आपकी जो पावर सप्लाई है उन सबको ये रीड करता है, स्टेशन के जो भी एसेट्स हैं जो सिग्नलिंग से जुड़े हुए हैं उन सबको ये रीड करता है और उसको दो कैटेगरी में बांटता है। एक तो आपका जो रिले के द्वारा मॉनिटर हो रही है तो वो डिजिटल डेटा के रूप में जाएंगे,
और जो आपका एसी डीसी वोल्टेज आ रहा है वो आपके एनालॉग डेटा के रूप में जाएंगे, और दोनों को ये क्या करता है अपने पास स्टोर करके रखता है, और जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपका या तो फॉल्ट एनालिसिस सिस्टम यानी जो भी आपने डेटा लॉगर पीसी या मेंटेनेंस पीसी लगा रखा वहां पर डेटा उपलब्ध करवाएगा, या फिर जो प्रिंटर आपने कनेक्ट कर रखा है वहां पर ये डेटा भेज करके उस डेटा को आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध करवाता है, जिसका उपयोग अपन विभिन्न जगहों पे यानी आपके फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट बनाने में, एक्सीडेंट का कारण पता करने में इनका उपयोग करते हैं। तो एक ये जनरल आइडिया था। अब अपन यहाँ बात करेंगे भाई डेटा लॉगर के एडवांटेज क्या है। तो अभी जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है उसके अंदर वो सारे एडवांटेज आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग का यानी PIRRA का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो था आपका इंटरमिटेंट टाइप या ऑटो टाइप के जो फेलियर्स होते थे, यानी एक बार फेल हुआ फिर राइट हो गया, उसके बाद दो दिन चला फिर फेल हुआ फिर राइट हो गया, तो पता नहीं चल पाता था क्योंकि रिले रूम आपका बंद होता है, जब कमांड दिया जाता है तो कौन सा कमांड कहाँ तक चला है तो आप उसको विजुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते बाहर खड़े होके। तो जब रिले रूम खोल के आप जब करते हो तो अगर वो इंटरमिटेंट टाइप का एक बार हुआ है तो दोबारा आप जब सिग्नल दोगे तो ऑपरेट हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो फेलियर कहाँ पे हुआ था, किस कारण से हुआ। तो डेटा लॉगर का ये फायदा है कि आप अपन उसमें रिपोर्ट जनरेट करके देख सकते हैं कि कौन सा सर्किट कहां तक चला था, उसके आगे कौन सा सर्किट नहीं चला है, तो जो नहीं चला है तो उसको अपन वहां पर जल्दी से उसको ट्रेस कर सकते हैं, यानी इसमें जो फेलियर अटेंड करने में जो टाइम लगता है वो थोड़ा कम लगता है। तो और दूसरा आपके ऑटो टाइप और इंटरमीडिएट टाइप के जो फेलियर्स हो रहे हैं ट्रबल आ रहे हैं उसको अपन यहां पर आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज था। दूसरा, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट का अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका वास्तविक कारण क्या। उसके पहले जब डेटा लॉगर नहीं था तो अपन क्या करते थे, ह्यूमन एजेंसी पे डिपेंड रहते थे और उनके साथ बातचीत करके पता करने की कोशिश करते थे कि वहां पर वास्तविक गलती किसकी। लेकिन डेटा लॉगर आने के बाद ये समस्या खत्म हो गई, आप यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करके भी पता कर सकते हो वहां पर वास्तविक कारण क्या था। जैसे मान लो सिग्नल दे दिया स्पीड का कैसे, तो अपन रिपोर्ट जनरेट करके पता कर सकते हैं, गाड़ी की अगर ज्यादा स्पीड रही है संटिंग के दौरान और उसकी वजह से डिरेलमेंट हुआ तो वो अपन पता कर सकते हैं, पैनल में कोई ऑपरेशन नहीं दिया गया था या कोई गलत ऑपरेशन दिया गया था और कहीं पे गलत मूवमेंट हुआ है तो अपन उसकी रिपोर्ट जनरेट करके यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई मान लो ब्लॉक सेक्शन को लाइन क्लियर नहीं पूछा और गाड़ी घुस गई और बोला नहीं वो तो लाइन क्लियर पे गई है, तो अपन यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करके पता कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, यानी एक्सीडेंट का कारण अगर आपको पता करना है तो इसकी रिपोर्ट जनरेट करके अपन वास्तविक कारण को, अगर सिग्नलिंग से रिलेटेड है तो अपन उसको पता कर सकते हैं। फिर इसमें इसका जो एडवांटेज है वो यह है, ह्यूमन एजेंसी के द्वारा जो गलतियां हो रही है तो उसका वास्तविक कारण पता कर सकते हैं, यानी ह्यूमन एजेंसी द्वारा जो गलतियां की जाती है जो बाद में वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे द्वारा हुआ है, तो डेटा लॉगर की मदद से अपन उसकी रिपोर्ट जनरेट करके पता कर सकते हैं कि वहां पर किसकी गलती से वो हुआ है। तो उसमें एक्चुअल में मेजर रोल तीन डिपार्टमेंट का ही रहता है, एक आपका ऑपरेटिंग का, एक आपका लोको पायलट का और तीसरा आपका SIT का। तो अगर किसी ड्राइवर ने सिग्नल को डेंजर में पास किया है, डेंजर में पास करने का मतलब है सिग्नल दिया नहीं था मान लो, या तो दिया नहीं था या मान लो दोनों लाइनों में गाड़ियां जो खड़ी एक ही डायरेक्शन में खड़ी, दिया किसी और लाइन को सिग्नल है और गलती से कोई और लाइन का गाड़ी का ड्राइवर चल दिया, यानी उसको अथॉरिटी थी नहीं यानी सिग्नल ऑफ किया नहीं और चल दिया और उसके बाद में वो क्या बोलता है कि सिग्नल दिया हुआ था, तो इस तरह का जो केस होता है तो उसकी रिपोर्ट अपन यहाँ पर जनरेट करके पता कर सकते हैं। तो स्पेट का केस अगर हुआ है तो रिपोर्ट जनरेट करके अपन पता कर सकते हैं। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई गलती की गई, एक्चुअल में पैनल में क्या होता है कि आपका जो रिले इंटरलॉकिंग होता है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जितना बड़ा यार्ड होगा नंबर ऑफ रिलेज को फाइनल रूट एक्चीव करने में टाइम लगता है, तो उसके लिए SWR में दिया गया है, रिले इंटरलॉकिंग में जब आप ऑपरेशन करते हो तो सिग्नल बटन और रूट बटन जब प्रेस करते हो तो उसकी लास्ट इंटरलॉकिंग स्टेज जब तक नहीं अचीव होती तब तक आपको बटन छोड़ना नहीं, अगर उसके पहले छोड़ दोगे तो आपका वो कंप्लीट ऑपरेशन नहीं होगा और हाफ ऑपरेशन होकर आपका यार्ड में आधा रूट रिलीज होकर के पूरा जो कंडीशन अचीव नहीं होगी तो आपका सिग्नल ऑफ नहीं होगा। तो इस तरह के जो फेलियर्स आते हैं जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर ऑपरेशन, तो एक तो ये रहता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट का, दूसरा इसमें क्या होता है रॉन्ग ऑपरेशन। रॉन्ग ऑपरेशन का मतलब है लाइन क्लियर पूछा नहीं और सिग्नल देने की कोशिश की और आया नहीं और फेलियर में एंट्री कर दी, देना डाउन में था और आपका सिग्नल देके कैंसिल करके बोल दिया और गाड़ी का डिटेंशन बढ़ा, बाद में वो बोल देते थे कि नहीं मैंने सिग्नल दिया था आया नहीं। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट की ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की ये दो मेजर इश्यू होते थे, तो उसको अपन डेटा लॉगर की मदद से आसानी से
ऑब्जर्व करके उसको बता सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर आपका होता था एसएनटी डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी सिग्नलिंग के जो पर्सन है, इन्होंने अगर किसी सेफ्टी सर्किट के साथ छेड़खानी की, यानी किसी सर्किट को शॉर्टकट तरीके से चलाया, तो उसकी भी रिपोर्ट अपन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। यानी पैनल से बटन कमांड दिया नहीं और किसी ने रिले पिकअप करवा दी, या कोई रिले उस समय पिकअप नहीं होनी चाहिए था, फेलियर चल रहा था और आपने रिले पिकअप करा करके सिग्नल दिला दिया। तो इस तरह के जो शॉर्टकट किए जाते हैं जो आपकी सेफ्टी को इन्फ्रिंज करते हैं, तो उसका कारण अपन यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही डिपार्टमेंट के मेजर इश्यू होते थे, एक तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का और एक एसएनटी डिपार्टमेंट का। तो उन दोनों का यहाँ पर कारण पता किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि अब डेटा लॉगर लगने के बाद इस तरह के शॉर्टकट मेथड जो है वो कम किए जाते हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी के जो रूल है वो भी ब्रिज कम होते हैं, टूटते कम। फिर आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, अगर एक्चुअल में पावर सप्लाई जो देने वाला है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, अगर उसकी पावर सप्लाई रिलायबल नहीं है तो आपका जो गियर है वो प्रॉपर नहीं चलेगा, तो अपन उसकी भी रिपोर्ट जनरेट करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन एजेंसी की वजह से जो गलतियां हो रही है उसको अपन यहाँ पे पता कर सकते हैं। फिर डेटा लॉगर एक्चुअल में क्या माइक्रो प्रोसेसर आधारित उपकरण है, तो इसका एक फायदा ये है कि अपन इसको नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा लॉगर आपका एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित उपकरण है, तो इसको नेटवर्क में कनेक्ट किया जा सकता है। और नेटवर्क में कनेक्ट होने की वजह से इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि अपन रिमोटली स्टेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि बे साइड स्टेशन में अगर कोई फेलियर हुआ है तो एक्सपर्टाइज जब तक वहां पर नहीं पहुंचेगा तब तक आप फील्ड स्टाफ की कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन डेटा लॉगर के नेटवर्क में कनेक्ट होने से ये फायदा होता है कि एक्सपर्टाइज को सेंट्रलाइज लोकेशन पर बैठा करके अपन बे साइड स्टेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, और स्टाफ को कोई असिस्टेंस या सहायता चाहिए वो वहां से दी जा सकती है। फिर आपकी इसमें फेलियर रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है रिमोटली भी और स्टेशन पे भी कर सकते हो, और उस रिपोर्ट का प्रयोग अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कर सकते हैं। फिर आपका स्टेशन के डेटा को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑब्जर्व कर सकते हो, गाड़ी की स्पीड मॉनिटर की जा सकती है, इक्विपमेंट की लाइफ आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इस डेटा का जो उपयोग है अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में करते हैं, जिसके द्वारा अपन एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट करते हैं और उसको अपन क्या करते हैं टाइम पे ही उसको जो भी एबनॉर्मल अलार्म्स या बजर्स आते हैं उनको आप पहले से अटेंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में होने वाले फेलियर को यहाँ पर रिड्यूस्ड किया जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो गाड़ियों का डिटेंशन होता है वो कम होता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डेटा लॉगर का। तो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया डेटा लॉगर के लाभ क्या है। ठीक है, अब आपका ये जो डेटा लॉगर जो आता है इसका RDSO स्पेसिफिकेशन जो नंबर होता है वो आपका IRS S99/2006 है, जिसके ऊपर ही आपके सारे डेटा लॉगर डिजाइन किए जाते हैं। और डेटा लॉगर आपको अलग अलग कंपनियों के द्वारा दिया जाता है, तो अभी अपने पास 4-5 कंपनियां हैं जिसमें मेजर जो है यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मेक डेटा लॉगर रहेंगे, कहीं कहीं पे HBL और सेल का भी है और कुछ और कंपनियों ने भी बना रखे हैं जिनके डेटा लॉगर आते हैं, लेकिन वो सारे डेटा लॉगर जो डिजाइन किए गए हैं उनका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके RDSO द्वारा जारी स्पेसिफिकेशन है उसके अंतर्गत ही वो डिजाइन किए जाते हैं। अब यहाँ पर होता है कि अलग अलग मेक में कंपनी क्या करती है कार्डों के नाम चेंज कर लेती है, उनकी जो इनपुट कैपेसिटी आउटपुट कैपेसिटी है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल सब जगह सेम होता है, काम करने का जो तरीका है वो सेम रहता है। अब आपका कोई भी मेक डेटा लॉगर रहेगा उसमें ये 5 कंपोनेंट्स मेन रहेंगे। एक आपका CPU रहेगा जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जिसके अंदर आपका एक माइक्रो कंट्रोलर लगा रहेगा, और वो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है पूरे यार्ड को रियल टाइम क्लॉक के साथ मॉनिटर करता है और उसके स्टेटस को अपने पास स्टोर करके रखता है, और उसके ऊपर लगे मेन मशीन इंटरफेसिंग टूल से जब कमांड मिलता है या अगर कोई मेंटेनेंस PC लगा रखा है वहां पर आपने फॉल्ट एनालिसिस सिस्टम के द्वारा अगर कोई कमांड दिया है या नेटवर्क में सेंट्रल मॉनिटरिंग प्लेस से अगर कोई कमांड आया है उसके आधार पर ये डेटा एनालिसिस उस कमांड को ऑब्जर्व करता है और उसके अनुसार वो डेटा उनको उपलब्ध करवाता है, तो लोकल PC को उपलब्ध करवाएगा या सेंट्रल मॉनिटरिंग प्लेस पर आपने जो डेटा लॉगर रूम बोलते हैं या टेस्ट रूम बोलते हैं वहां पर वो डेटा को उपलब्ध करवाता है। तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। अब इसमें CPU का क्या रहेगा, प्रोसेसर जो है वो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हो सकता है, मेन आपको खाली ये ध्यान रखना है CPU करता क्या। ठीक है, अब यहाँ पर CPU क्या करता है डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा को मॉनिटर करता है, तो वो डेटा का जो टाइम है वो सेम है, डेटा मतलब मॉनिटर करने का जो स्कैनिंग टाइम। तो CPU कार्ड क्या करता है डिजिटल डेटा को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल इनपुट कार्ड की मदद कर लेता है,
यानी डिजिटल इनपुट कार्ड की मदद से वो डिजिटल डेटा को मॉनिटर करेगा और उसकी स्टेटस को अपने पास स्टोर करके रखेगा। इसका जो स्कैनिंग टाइम होता है वो होता है 16 मिलीसेकंड। ये सभी इक्विपमेंट के लिए कॉमन रहेगा, यानी कोई भी मेक का डेटा लॉगर हो वहां पर जो भी प्रोसेसर लगा रहेगा वो प्रोसेसर हर 16 मिलीसेकंड में डिजिटल कार्ड की मदद से डिजिटल डेटा को मॉनिटर करेगा और उसके स्टेटस में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको उसी रियल टाइम क्लॉक के साथ अपडेट करके अपने पास स्टोर करके रखेगा, ठीक है। दूसरा आपका सीपीयू कार्ड क्या करता है, एनालॉग डेटा को मॉनिटर करता है, तो उसके लिए एनालॉग कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो सीपीयू कार्ड एनालॉग कार्ड की मदद से एनालॉग डेटा यानी एसी और डीसी वोल्टेज को मॉनिटर करता है। इसका जो स्कैनिंग टाइम होता है वो लेस देन 1 सेकंड होता है, यानी हर 1 सेकंड में एनालॉग कार्ड की मदद से सीपीयू कार्ड क्या करेगा, एनालॉग डेटा को मॉनिटर करेगा और लास्ट रिकॉर्डेड वैल्यू में यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया है। एक्चुअल में बगैर रेफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि उसका स्टेटस क्या था, तो यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू दिया गया 5%, यानी लास्ट रिकॉर्डेड वैल्यू में अगर 5% का चेंज अगर 1 सेकंड में आता है तो उसको उसी समय के साथ अपने पास स्टोर करके रख लेगा। ये आपका सीपीयू कार्ड का काम होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके ऊपर मेन मशीन इंटरफेसिंग के लिए कुछ टूल्स दिए रहते हैं, कीपैड और डिस्प्ले यूनिट रहेगा, वहां से कमांड देकर के आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो या फिर लोकल पीसी या रिमोटली पीसी जो लगा रखा है वहां पर आवश्यक इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर अगर लगे तो उसकी मदद से आप कमांड देकर के उसके डेटा को आप लोकल पीसी में या रिमोट पीसी में ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका दूसरा आइटम रहेगा डिजिटल इनपुट कार्ड और एनालॉग इनपुट कार्ड। डिजिटल इनपुट कार्ड और एनालॉग इनपुट कार्ड जो होता है ये आपके डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा को रीड करते हैं और उसके डेटा को सीपीयू कार्ड को उपलब्ध करवाते हैं। फिर आपका लोकल पीसी हो गया, इसको अपन फॉल्ट एनालिसिस सिस्टम बोलते हैं या डेटा लॉगर पीसी के नाम से जानते हैं इसको। इसके अंदर जब आवश्यक इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर लगा है तब ये लोकल पीसी क्या करता है, आपके डेटा लॉगर के सीपीयू के साथ इंटरफेसिंग करता है, उसके डेटा को अपने पास कलेक्ट करता है और उसके ऊपर यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में या यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में आपको डेटा ऑब्जर्व करने में मदद करता है। फिर आपका एक कम्युनिकेशन लिंक रहेगा। कम्युनिकेशन लिंक का मतलब है कि अगर आपका जो लोकल पीसी है या रिमोट पीसी पर अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो तो डेटा आपको वहां भेजना है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत पड़ेगी। और कम्युनिकेशन लिंक में भी आपका अलग अलग है, अगर आपका डिस्टेंस कम है तो डायरेक्टली आप RS-232 प्रोटोकॉल काम में लेते हुए डायरेक्ट ट्विस्टेड पेयर केबल पे आप लोकल पीसी को सीरियल पोर्ट के द्वारा कनेक्ट करके डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। अगर डिस्टेंस ज्यादा है अप टू 3 किलोमीटर तो यहाँ पर एक लाइन एक्सटेंडर करके एक टेलीकॉम का इक्विपमेंट आता है उसकी मदद से आप उसको अप टू 3 किलोमीटर तक ऑब्जर्व कर सकते हो। और अगर इससे ज्यादा दूरी है तब अपन इसमें मोडेम का यूज करते हैं और मोडेम का जब यूज करेंगे तो प्रॉपर इंटरफेसिंग को काम में लेते हुए इसके डेटा को अपन कॉपर कंडक्टर पर, ओएफसी पर या फिर अपन माइक्रोवेव चैनल के द्वारा भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये कम्युनिकेशन लिंक रहेगा। तो IDSO स्पेसिफिकेशन में दिया गया है कि आपको अगर 3 किलोमीटर से ज्यादा भेजना तो मोडेम कौन कौन से यूज लेना है और उनका वर्किंग किस तरह से रहेगा तो वहां पर काम में लेना। और मीडिया आपका क्या रहेगा, कॉपर मीडिया तो क्वेड केबल के क्या पैरामीटर रहेंगे, ओएफसी तो क्या रहेगा, तो वो सारी चीजें स्पेसिफाइड है तो वो आपका कम्युनिकेशन लिंक रहेगा। फिर आपका लास्ट में आता है प्रिंटर। डेटा लॉगर का एक सबसे बड़ा फीचर है कि इस पर डायरेक्ट प्रिंटर कनेक्ट किया जा सकता है और डायरेक्ट प्रिंटर कनेक्ट किया जा सकता है तो इससे फायदा ये होता है कि यहाँ पर आप मेन मशीन इंटरफेसिंग से कमांड देख करके आप इसके अंदर जो भी डेटा है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन का मतलब लाइव डेटा आ रहा है उसका भी प्रिंटर निकाल सकते हो, ऑफलाइन का मतलब है जो भी सिलेक्टेड पीरियड है जिस समय का आपको डेटा चाहिए जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हो उस सिलेक्टेड पीरियड का जो डेटा है उसका भी आप इस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाल सकते हो और इसका प्रयोग अपन डेटा एनालिसिस में या कहीं पे भी आपको एज ए एविडेंस वो डेटा अगर पेश करना है तो आप कर सकते हो। तो आपका कोई भी डेटा लॉगर रहेगा तो उसमें ये 5 पार्ट है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट कार्ड, फिर आपका लोकल पीसी जिसको अपन फॉल्ट एनालिसिस सिस्टम के नाम से जानेंगे, फील्ड में इसको डेटा लॉगर मेंटेनेंस, डेटा लॉगर मेंटेनेंस पीसी भी बोलते हैं या डेटा लॉगर पीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जब रिमोटली आप मॉनिटर करते हो तो वहां पर इसको अपन सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, तो वो होता भी पीसी है लेकिन उसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन चेंज होता है, उसकी कैपेसिटी और वहां पर कुछ कमांड्स ज्यादा दिए रहते हैं, वहां पर भी आवश्यक इंटरफेसिंग अगर सॉफ्टवेयर डाला है तब आप वहां पर यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में आप उस डेटा को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर आपका एक कम्युनिकेशन लिंक रहेगा, नेटवर्क में जब कनेक्ट करोगे तो प्रॉपर इंटरफेसिंग के मॉडेम को यूज करते हुए आप इस डेटा को
कॉपर कंडक्टर पर और ओएफसी पर, और उसके बाद वायरलेस मीडिया के द्वारा भी आप ट्रांसमिट कर सकते हो। तो वो जो कनेक्टिविटी रहेगी उसको अपन कम्युनिकेशन लिंक बोलेंगे। और एक आपका प्रिंटर रहेगा, प्रिंटर का यूज अपन जो भी डेटा अंदर स्टोर है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी आपको चाहिए उसका अपन हार्ड प्रिंट निकाल सकते हैं, जिसका प्रयोग अपन एज एविडेंस कहीं भी कर सकते हैं। तो आपका ये कॉमन इक्विपमेंट हो गए जिसमें अपन ने डिस्कस किया मेजर मेजर क्या क्या काम रहता है। अब अपन यहाँ पर स्पेसिफिक बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मेक डेटा लॉगर के बारे में। अपने यहाँ पर ज्यादातर जो WR और NWR में लगा है, या रेलवे की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो डेटा लॉगर लगे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मेक के ही लगे। तो आप लोग अभी ट्रेनिंग के दौरान कहीं ड्यूटी रूम में गए होंगे तो आपको इस तरह का रेक दिखाई दिया होगा कहीं पे कहीं पे भी जब ड्यूटी के दौरान। तो आपको अगर इस तरह का जो रेक है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेक डेटा लॉगर है। तो ये फ्रंट में जब आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रंट में दो कवर होता है, एक आपका टॉप ढक्कन रहता है। जब आप टॉप ढक्कन को खोलते हो तो अंदर से ये राइट साइड में जो आपको पिक्चर दिख रही है इस तरह का आपको एक यूरो कैबिनेट दिखाई देगा, और इस यूरो कैबिनेट के अंदर आपके डिफरेंट कार्ड्स लगे होते हैं। इस यूरो कैबिनेट में आपके डिफरेंट कार्ड्स लगे रहेंगे। ये आपका यूरो कैबिनेट है, ठीक है। और नीचे वाला जब आप ढक्कन खोलते हो तो यहाँ पर आपके अलग अलग मदरबोर्ड लगा करके आवश्यक दूसरे कार्ड लगाए गए, तो उसका जो पिक्चर है वो आपको इस तरह का दिखाई देगा। जब ढक्कन खोलोगे तो यहाँ पर भी आपका एक यूरो रैक रहेगा और उसमें भी अलग अलग टाइप के जो कार्ड लगाते हो उसका जो भी बैक प्लेन आता है या मदरबोर्ड है उसको यूज करके आप मेन मदरबोर्ड जो यूरो रैक 1 जो ऊपर लगा हुआ है उसके साथ आप उसको कनेक्ट करेंगे तो ये डेटा वहां पर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके चारों तरफ से ढक्कन खुलते हैं। जब ये फ्रंट का व्यू दिखा रहा हूं, जब आप लेफ्ट साइड से जब ढक्कन खोलोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की तरफ कुछ सीरियल पोर्ट रहेंगे और नीचे आपके एनालॉग डेटा टर्मिनेट करने के लिए आपका टर्मिनेशन पट्टी लगी रहेगी। आपका ये इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा पिक्चर बता देता हूं क्लियर हो जाए थोड़ा सा आपको। ये आपकी इस तरह की पट्टी रहेगी। जब आप लेफ्ट साइड से जब ढक्कन खोलोगे तो एनालॉग डेटा टर्मिनेट करने के लिए आपके यहाँ पर एक प्रोटेक्शन स्ट्रिप कहलाती है। इस प्रोटेक्शन स्ट्रिप के ऊपर आप एनालॉग डेटा को टर्मिनेट करेगी। ये एक्चुअल में आपकी इस तरह की रहेगी और जो भी आप एनालॉग डेटा यहाँ पर टर्मिनेट करना चाहते हो एक्चुअल में एक पट्टी के ऊपर आप अधिकतम 8 डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। इसको चैनल के नाम से जानते हैं, चैनल 1 से लेके 8, फिर आपकी दूसरी पट्टी रहेगी उसमें 9 से लेके 16, इस तरह से इसमें बढ़ेगा। तो ये आपकी एनालॉग स्ट्रिप कार्ड बोल दो या प्रोटेक्शन स्ट्रिप या प्रोटेक्शन प्लेट बोल दो, जिसके ऊपर आप क्या करोगे एनालॉग डेटा को टर्मिनेट करते हैं, प्रोटेक्शन स्ट्रिप बोलते हैं इसको। और इसमें प्रोटेक्शन स्ट्रिप पे ये एडवांटेज है कि आप किसी चैनल पे कोई भी डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, आप एसी हो या डीसी। एसी के लिए कंडीशन ही आती है कि एसी एक्चुअल में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, उसके पहले के और इक्विपमेंट लगता है जिसको बोलते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर, और वहां से ये डेटा आपका यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको कनेक्ट करेंगे जैसे चैनल नंबर 1 पे करना, तो चैनल 1 प्लेट पे जहां पर आप इस डेटा को टर्मिनेट करेंगे तो उसके आगे एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक को आपको थ्रू करने पे ये बताएगा कि वहां पर आप कौन सा डेटा मॉनिटर कर। अगर यहाँ पर आपने 110 वोल्ट डीसी कर रहे हो तो 110 वोल्ट डीसी को थ्रो करना है, 110 वोल्ट एसी कर रहे हो तो 110 वोल्ट एसी को थ्रो करना होता है। तो वो उस समय जिस लिंक को आप थ्रो करोगे और जो आपने डेटा वहां कनेक्ट किया है तो उसको उसके हिसाब से, जो आपने 110 पे किया तो 110 के हिसाब से ऑब्जर्व करेगा, 200 को या तो मतलब 230 किया है तो 230 के हिसाब से, 60 वोल्ट डीसी किया तो 60 वोल्ट डीसी के हिसाब से। फिर इसके ऊपर आपके एक अडेप्टर पीसीबी लगी होती है जिसके ऊपर आपके पोर्ट्स लगे रहेंगे, जिसको अपन सीरियल पोर्ट के नाम से जानते हैं। और एक आपका यहाँ पर मॉडेम
मतलब जो लाइन जो आ रही है आपकी, जिससे आप दूसरे एंड पर जब कनेक्ट करोगे तो उसका जो टर्मिनेशन रहेगा वो आपका राइट साइड में रहेगा। जब आप यहाँ खड़े होंगे राइट साइड का ढक्कन खोल के, तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने प्रोटेक्शन हिस्ट्री बोली थी, उसमें जो लिंक थ्रो करना होता है, ये जो ब्लॉक लाइन दे रखी है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में जो दे रखा है टर्मिनल, वागो टर्मिनल, यहाँ पर आप चैनल को कनेक्ट करोगे, यानी जो भी आप एनालॉग डेटा मॉनिटर करना चाहते हो उसको यहाँ पर आप टर्मिनेट करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो रहेगा। और एक कार्ड पर आप अधिकतम 8 चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे यहाँ पर ये जो लाइनिंग दे रखी है, ब्लैक बॉक्स एक बना रखा है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर एक आपको ये जम्पर दिख रहा है, तो इस जम्पर को आपको क्या करना होता है, थ्रो करना होता है। और उसके आगे यहाँ पर वैल्यू लिखिएगा, आप कौन सा वैल्यू आप यहाँ पर इस चैनल पर मॉनिटर करना चाहते हो, 24 वोल्ट करना चाहते हो, 12 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, 110 DC है, 110 AC है, तो उसको आपको थ्रो यहाँ पर करना रहता है, ठीक है। तो ये आपका एनालॉग का रह गया। फिर आपका जो डिजिटल डेटा को टर्मिनेट करोगे, सॉरी, ऊपर आपकी जो अडेप्टर PCB थी जिसके ऊपर आपके सीरियल पोर्ट्स लगे हुए थे, तो इसमें टोटल आपके ये 16 सीरियल पोर्ट आते हैं। और सबसे नीचे एक आपकी यहाँ पर एक स्ट्रिप और दे रखी है, जिस ये क्या करती है, आपके इस CPU कार्ड का एक और फीचर है डेटा लॉगर का, कि इसके ऊपर मिनिएचर रिले भी आती है, जिसका प्रयोग अपन रिमोट लोकेशन से आप यहाँ पर अलार्म जनरेट करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें 8 मिनिएचर रिले रहती है इनबिल्ट, जिसके द्वारा अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी यूजर फ्रेंडली आपको या यार्ड के रिक्वायरमेंट हिसाब से आपको जो भी अलार्म आपको जनरेट करना है वो यहाँ पर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनालॉग डेटा का हो गया, तो आपको मतलब इस तरह का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर ये जो सीरियल पोर्ट्स दिए गए हैं ये नॉमिनेटेड है, वहां पर आप जब जाओगे तो एक्चुअल में इस तरह से नाम लिखा रहेगा, जैसे आपका ये सीरियल प्रिंटर अगर आपके पास है और सीरियल प्रिंटर को आपको कनेक्ट करना है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल प्रिंटर, तो यहाँ पर आपका सीरियल प्रिंटर ही कनेक्ट होगा। फिर आपका आता है पॉइंट मशीन की हेल्थ को मॉनिटर करना है, तो उसके लिए आपका एक HMU अलग से यूनिट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा लॉगर का, तो वो HMU का काम है पॉइंट मशीन की हेल्थ को मॉनिटर करना, उसका जो डेटा आएगा उसको आप इस सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखो लिखा है पॉइंट मशीन। फिर आपका अगर मिनी डेटा लॉगर लगे हैं, अभी आगे आएगा जिसमें मैं बताऊंगा मिनी डेटा लॉगर क्या होता है, जिसको अपन RTU के नाम से जानते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर 2 पोर्ट है, RTU 1 और RTU 2, तो इसको यहाँ पर, तो एक्चुअल में ये जो सीरियल पोर्ट जो है आपके, ये आपके नॉमिनेटेड है कौन सा कहाँ पर लगेगा, तो इसमें जो 3 जो सीरियल पोर्ट है वो आपके मोडेम के लिए रिजर्व रहेंगे, एक आपका जो पोर्ट रहेगा वो डिबगिंग के लिए रहेगा, 6 पोर्ट आपके जो एनालॉग डेटा आपके आएंगे उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर 6 पोर्ट रिजर्व रहेंगे, फिर 2 पोर्ट आपके RTU के लिए है, 1 पोर्ट आपका SSI का अगर डेटा आ रहा है, ये का जो डेटा आता है SSI मतलब सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग, जिसको अपन यही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, तो उसका डेटा जब अपन डेटा लॉगर में ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आगे आएगा जिसमें बताऊंगा, उसको अपन प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड बोलते हैं। और उस प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड के जो डेटा जब आप अपन डेटा लॉगर की PC को दोगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक नॉमिनेटेड सीरियल पोर्ट रहेगा, जहां पर आप SSH के डेटा को कनेक्ट करोगे तो वहां पर लिखा रहेगा प्रोटोकॉल कन्वर्टर पोर्ट, ठीक है। फिर आपका एक जो है पॉइंट मशीन की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए रहेगा, HMU को कनेक्ट करने के लिए, जो भी बताया मैंने आपको, और एक आपका सीरियल पोर्ट का प्रिंटर है, तो वहां पर एक्चुअल में क्या लिखा रहता है कौन सा पोर्ट किसके लिए रिजर्व्ड है, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादातर, आपको खाली ये सुनिश्चित करना है कि जो पोर्ट जिसके लिए रिजर्व्ड है उसको वहीं पे आपको काम में लेना है। फिर आपका जैसे यहाँ पर ये जो एनालॉग के लिए दिया है, तो यहाँ देखो एनालॉग लिखा है, एनालॉग 1 2, एनालॉग 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप एनालॉग डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके 16 पोर्ट है टोटल सीरियल पोर्ट, और ये आपका जो रहेगा एक फॉल्ट अलार्म पोर्ट रहेगा, तो इसके द्वारा आप अपन फॉल्ट जो भी है उसके अलार्म जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नीचे जो वायरिंग दे रखी है आपकी मिनिएचर रिले के NONC बैंड है, उसके लिए रहेगा, तो कोइल पे जब दोगे तो NONC बैंड जो भी आपका रहेगा फेवरेबल, जिस हिसाब से आपने इसकी वायरिंग की है उसके हिसाब से ये डेटा आपको उपलब्ध करवाएगा। फिर आपका क्या होता है डिजिटल डेटा के लिए, तो डिजिटल डेटा के लिए क्या रहेगा, राइट साइड में जब आप ढक्कन खोलोगे
तो पहले लेफ्ट साइड का ढक्कन खोला था, फिर राइट साइड का जब आप ढक्कन खोलोगे तो वहां पर एक आपका 128 ग्रुप का इस तरह का एक टर्मिनेशन बोर्ड रहेगा, जिसके ऊपर आपके डिजिटल डेटा इंडोर केबल के माध्यम से, यानी रिले रूम में आप डेटा लॉगर के लिए जो टैग ब्लॉक बनाओगे वहां से एक इंडोर केबल चल के आएगा। वो केबल आपका जब आएगा डेटा लॉगर पे तो आपके राइट साइड के अंदर आप उसको टर्मिनेट करोगे, और इस पे जो पट्टी आती है वो 128 के ग्रुप में आती है, वो 128 128 इस तरह से उसमें ग्रुपिंग रहता है, और वहां से आप लाइन सर कनेक्ट करके लाओगे, और वहां से वो डेटा FRC केबल के माध्यम से आएगा, फ्लैट रिबन केबल जिसको बोलते हैं, और उस फ्लैट रिबन केबल के माध्यम से डेटा चल के आपका कहाँ चलेगा, ये पीछे जो टर्मिनेशन दिए हुए हैं आपके जो भी इनपुट कार्ड है उसके लिए, और दूसरा यहाँ पर एक डेटा लॉगर की संख्या, जब डिजिटल डेटा की संख्या ज्यादा होगी तो उसके लिए यहाँ पर अलग से एक कार्ड लगाते हैं जिसको DSU कार्ड बोलते हैं, तो वो DSU कार्ड के लिए यहाँ पर आपके पोर्ट बने रहेंगे। तो यहाँ पर देखो आपके टोटल ये 7 पोर्ट दिख रहे हैं जिसपे आप टोटल 7 DSU कार्ड को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके एनालॉग डेटा को कनेक्ट करने के लिए और सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट से डेटा आपका मदरबोर्ड पे अंदर की तरफ, एक आपका कम्युनिकेशन बोर्ड रहेगा, एक इंटरफेसिंग बोर्ड रहता है, जब आप ये फ्रंट से जब बोर्ड निकालोगे तो अंदर 2 कार्ड और आते हैं, तो उसमें आपका जो एक इंटरफेसिंग बोर्ड है वो आपके एनालॉग डेटा को CPU कार्ड को देता है, और कम्युनिकेशन बोर्ड का काम होता है एक मॉडेम से दूसरे मॉडेम के बीच में आपका जो डेटा लॉगर है उसके बीच में कम्युनिकेशन सुनिश्चित करना। तो 2 अलग से कार्ड रहेंगे अंदर की तरफ, ये पीछे की तरफ आके इस तरह से FRC केबल से आपके यहाँ पर डेटा टर्मिनेट होंगे, जो आपके डिजिटल इनपुट कार्ड पे होंगे वो यहाँ जाएंगे और DSU कार्ड पे होंगे वो यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक डेटा लॉगर का मैं बता रहा था किस तरह से रहेगा, और पीछे की तरफ एक आपका पैरेलल पोर्ट भी होता है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, डेटा लॉगर में अगर पैरेलल पोर्ट का अगर आपके पास प्रिंटर है तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो मैंने लेफ्ट साइड में बताया था, ऊपर की तरफ आपका एक अडेप्टर PCB रहेगी जिसके ऊपर आपके सीरियल पोर्ट रहेंगे 1 से 16, और नीचे आपकी प्रोटेक्शन स्ट्रिप है जिसके ऊपर आप एनालॉग डेटा को टर्मिनेट करोगे, और राइट साइड का जब ढक्कन खोलोगे, जब आप फ्रंट में खड़े हो इसके, तो राइट साइड का जब ढक्कन खोलोगे तो यहाँ पर आपके डिजिटल डेटा के टर्मिनेट होगी, और वहां से वो FRC केबल के माध्यम से बैक प्लेन में पीछे जो आपकी जो पिंस है वहां पर वो FRC केबल टर्मिनेट होगी, और वहां से वो डेटा आपके डिजिटल इनपुट और DSU कार्ड के माध्यम से होते हुए वो कहाँ जाएगा, प्रोसेसर कार्ड को जाता है, और बैक साइड का जब आप ढक्कन खोलोगे तो उसमें आपको पीछे आपके ये मदरबोर्ड के ऊपर कुछ कनेक्टर्स के पिने लगी रहेगी जिसके ऊपर आप FRC केबल के माध्यम से डेटा को कनेक्ट करोगे, और वहां से वो डेटा आपका कहाँ जाएगा, डिजिटल इनपुट और DSU कार्ड को जाता है, और बैक प्लेन पर फिर ये कार्ड क्या करते हैं, बैक प्लेन पर बस बार के माध्यम से डेटा को भेजते हैं CPU कार्ड को। ठीक है, तो ये रहेगा, और इसी इक्विपमेंट में सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे आपका एक पावर सप्लाई का अरेंजमेंट रहेगा, तो इसका जो इनबिल्ट जो चार्जर आता है वो अंदर ही लगा रहता है, और उसके नीचे बैटरी बैकअप के लिए, पावर सप्लाई बैकअप के लिए बैटरी लगी रहेगी, तो ये चार्जर जो होता है वो 230 24 वोल्ट का रहेगा, और नीचे जो बैटरी बैकअप है वो 24 वोल्ट की रहेगी, और जब आप 230 फील्ड से लोकल सप्लाई को सीधा कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर सर्ज वोल्टेज आके आपके इस डेटा लॉगर को डैमेज या नुकसान न पहुंचाते, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इनपुट में यहाँ पर B और C टाइप का प्रोटेक्शन देंगे। BC प्रोटेक्शन क्या करता है, जो भी सर्ज वोल्टेज आता है उसको ग्राउंड की तरफ डाइवर्ट कर देगा, तो ग्राउंड की तरफ डाइवर्ट कर देगा, तो उसके लिए आपको अर्थ से कनेक्ट करना रहेगा, और अर्थ की वैल्यू जो है वो आपकी 2 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो आपका जो अर्थ रहेगा डेटा लॉगर का, तो उसका अर्थ का जो वैल्यू है 2 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर अपन इसकी फीचर्स की बात करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा लॉगर है इसको ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, इसकी डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी वो 10 लाख इवेंट्स है, यानी 10 लाख डेटा को स्टोर करके रख सकता है, और उसके बाद ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा लॉगर का एक और खूबसूरत फीचर है कि इसके अंदर इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर आता है, और जहां पर ये डेटा लॉगर आपने लगा रखा है वहां पर क्या टेम्परेचर है वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आपको अलग से कोई थर्मामीटर या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पर ये बॉक्स लगा हुआ है डेटा लॉगर का तो वहां का टेम्परेचर क्या है वो अपन यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, और ये जो डेटा है वो आपको एनालॉग डेटा में दिखाई देगा, जब आप मेन मशीन इंटरफेसिंग टूल से या रिपोर्ट जब जनरेट करेंगे तो ये जो डेटा है वो आपको एनालॉग डेटा में मिलेगा। फिर इसकी एक और फीचर है, खूबसूरत फीचर है कि ये इसके ऊपर
जो है इंटरनल बजर जनरेट बजाने के लिए, इस अलार्म जनरेट करने के लिए इसके ऊपर मिनीचर रिले आती है, जो भी मैंने बताया था पीछे जो वायरिंग रहती है एनालॉग पोर्ट की तरफ, तो 8 मिनीचर रिले आती है और उसके ऊपर आप यूजर फ्रेंडली अलार्म या बजर जो भी जनरेट करना चाहते हो वो वहां पर कर सकते हो, और उनको रिमोट लोकेशन से या जो भी आपने दे रखा वहां से आप इसको कमांड दे सकते हैं। फिर जो डेटा स्टोर होगा वो रियल टाइम क्लॉक के साथ होता है, और उसके लिए इसकी इंटरनल एक बैटरी बैकअप रहेगी, उसके लिए यहाँ पर एक डालास की चिप होती है, उसके अंदर आपका एक इंटरनल बायोस की बैटरी लगी होती है जो आपके रियल टाइम क्लॉक को भी सप्लाई देती है। दूसरा आपके जो इवेंट्स स्टोर हो रहे हैं, डेटा जो स्टोर हो रहे हैं वो आपके एक्चुअल में एक रैम में होगा, उस रैम को भी ये कंटिन्यूस सप्लाई देती है ये बैटरी बैकअप भी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो डेटा है 10 साल तक सेव रह सकता है। तो आपकी जो बैटरी का जो कोडल लाइफ है वो 10 साल है, तो मेंटेनेंस के दौरान आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये जो बैटरी है वो 10 साल में आपको बदल देनी, अगर 10 साल से ज्यादा हो गया तो उसके बाद आपके डेटा करप्ट होने की यहाँ पर संभावना रहती है। फिर आपका डेटा लॉगर में एक यहाँ पर 500 बार एलईडी मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो फ्रंट में आप देखेंगे जो भी डेटा लॉगर है उसके फ्रंट में एक 512 एलईडी लगी हुई है, ये आपका रियल टाइम स्टेटस बताती है डिजिटल डेटा का, वास्तविक उस समय डिजिटल डेटा का क्या स्टेटस है आप रिले इस एलईडी को देख के पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एक फीचर है। फिर इसके ऊपर मेन मशीन इंटरफेसिंग के लिए एक आपका डिस्प्ले यूनिट आता है, तो ये आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट कहलाएगा, एलसीडी डिस्प्ले 2x24 का एलसीडी डिस्प्ले रहेगा, दो 2x24 मतलब दो लाइने है और 24 हर एक लाइन में करेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। और इसको ऑपरेट करने के लिए नीचे आपका एक कीपैड रहेगा, कीपैड आपका सिंपली टेलीफोन का जो कीपैड होता है जिसमें आपका 0 से 9 न्यूमेरिक वैल्यूज वाले कीज रहेगी और 2 स्पेशल कीज होती है स्टार और हेस के नाम पे, तो ये कीपैड और आपका ये जो ऊपर डिस्प्ले यूनिट है इसको अपन मैन मशीन इंटरफेसिंग टूल्स के नाम से जानते हैं, और इसी के ऊपर आपका जो 500 बार एलईडी मैट्रिक्स दे रखा है उसके ऊपर एक आपका क्लॉक चल रहा है, ये आपका रियल टाइम क्लॉक कहलाता है, और ये रियल टाइम क्लॉक जो है ये आपके डेटा जो भी है प्रोसेसर क्या करता है जो भी डेटा स्टोर करेगा वो इसी रियल टाइम क्लॉक के साथ करेगा, ठीक है। और इसी के पास में यहाँ पर कुछ एलईडीज दे रखी है जो आपके इस डेटा लॉगर की हेल्थ के बारे में जानकारी देती है। अभी लेटेस्ट में जो डेटा लॉगर आ रहे हैं उसके फ्रंट में यहाँ पर एक रीसेट बटन भी दिया रहेगा और एक ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट दे रखा है, तो इस मेमोरी कार्ड के स्लॉट में आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके डेटा को आप मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हो, और इस रीसेट बटन का यूज करके अपन इस डिस्प्ले यूनिट के डेटा जो हैंग हो गए अगर मान लो उसको आप रिफ्रेश कर सकते हो। ये एक्चुअली आपकी ये जो पैनल है ये सीपीयू कार्ड कहलाता है और इस सीपीयू कार्ड का ये आपका डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। सीपीयू कार्ड तो अंदर की तरफ अलग से लगा होता है, ये सीपीयू कार्ड के साथ अटैच्ड होता है, इसको अपन डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का आपका डेटा लॉगर रहेगा, और इसकी जो खासियत है इप्टोनिक्स में डेटा लॉगर की, आप अधिकतम 4096 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकते हो, और मिनिमम में यहाँ पर बात आएगी तो 512 डिजिटल डेटा को मॉनिटर किया जा सकता है, और मैक्सिमम एनालॉग डेटा जो वो 96 मॉनिटर कर सकते हो, और मिनिमम की जब बात आएगी तो यहाँ पर आप 32 एनालॉग डेटा को मॉनिटर कर सकते हो। और मैंने आपको एक बताया था IDSO स्पेसिफिकेशन ये है, सीपीयू कार्ड कोई भी मेक डेटा लॉगर हो सीपीयू कार्ड डिजिटल कार्ड की मदद से और एनालॉग कार्ड की मदद से जो स्कैन करता है डेटा, तो डिजिटल डेटा के लिए जो स्कैनिंग टाइम है वो 16 मिली सेकेंड है, यानी सीपीयू कार्ड डिजिटल कार्ड की मदद से हर 16 सेकेंड में इसके डेटा को मॉनिटर करेगा और उसके स्टेटस को अपने पास स्टोर करके रखेगा, और फिर आपका एनालॉग का जो स्कैनिंग टाइम है वो आपका लेस देन 1 सेकेंड है, यानी सीपीयू कार्ड एनालॉग कार्ड की मदद से हर एक सेकेंड में एनालॉग डेटा को मॉनिटर करेगा, और लास्ट रिकॉर्डेड वैल्यू में प्लस माइनस 5% का अगर वेरिएशन है तो उसके स्टेटस को अपडेट करके अपने पास स्टोर करके रख लेगा, और जब आपको आवश्यकता होगी उस समय उसको उपलब्ध करवाएगा। तो ये आपको कुछ सामान्य फीचर्स मैंने बताए थे जिसके अंदर आपका ये रहेगा कि इप्टोनिक्स मेक जो डेटा लॉगर है उसमें क्या क्या रहता है, और अर्थ की वैल्यू जो है वो आपकी 2 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपके इसमें होता है क्या क्या है, तो इस इक्विपमेंट में जब आप देखेंगे तो आपका जो डेटा लॉगर है तो उसमें एक तो आपका सीपीयू मॉड्यूल है हार्डवेयर में, एक आपका डिजिटल इनपुट कार्ड रहेगा, एक आपका DSU डिजिटल स्कैनर यूनिट रहेगी डिजिटल डेटा को मॉनिटर करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा लॉगर में 2 तरह के कार्ड आते हैं,
एक आपका सिंपल कार्ड आता है डिजिटल इनपुट कार्ड, और एक आपका डीएसयू कार्ड आता है जिसको अपन डिजिटल स्कैनिंग यूनिट या डिजिटल स्कैनर कार्ड भी बोलते हैं। और एनालॉग डेटा को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर एनालॉग स्कैनर यूनिट आती है, तो एनालॉग स्कैनर कार्ड बोलते हैं। और यहाँ पर ये दो तरह के कार्ड होते हैं, एक आपका विद कंट्रोल आता है, एक आपका विदाउट कंट्रोल आता है। विदाउट कंट्रोल दोनों में पहचान क्या है, एक के ऊपर तीन एलईडी लगी है और एक पर आपकी सिंगल एलईडी लगी। और इसको स्कैनर इसलिए बोलते हैं, एक्चुअल में इनबिल्ट में ये दो कार्ड एक साथ है, यानी जो कम्युनिकेशन जो सीपीयू कार्ड के साथ करेगा वो विद कंट्रोलर जो है वो वाला कार्ड ही आपका सीपीयू कार्ड के साथ कम्युनिकेशन करेगा। दूसरा वाला जो विदाउट कंट्रोलर है वो आपके सीपीयू कार्ड को डायरेक्ट डेटा नहीं भेजता, ये पहले क्या करता है विद कंट्रोल वाले को डेटा भेजेगा और वहां से डेटा वहां से आपके सीपीयू कार्ड को सीरियल पोर्ट के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो डेटा लॉगर का जो ब्लॉक डायग्राम रहेगा वो आपका इस तरह का रहेगा। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है डेटा लॉगर का ब्लॉक डायग्राम बनाओ, तो जो 3D व्यू मैंने आपको बताया था अभी बॉक्स, वो पूरा 3D व्यू आपका यहाँ पर 2D शेप में इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आपका एक डेटा लॉगर का ब्लॉक डायग्राम है, जो भी अपन ने बॉक्स देखा जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के जो कार्ड्स लगे हैं क्या क्या है, तो अपन यहाँ पर एक बार वापस चर्चा करेंगे उन्हीं की जो अभी तक आपने पढ़ा है, मैंने जो बताया है उसी को वापस देखेंगे। तो डेटा लॉगर के ब्लॉक डायग्राम में वापस जो कौन कौन से कार्ड लगे हैं क्या क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है और उसके बारे में पूरा आपको बताना होता है कौन क्या काम करता है। तो मैं एक एक करके वापस बात करूंगा। तो एक आता है आपका डिजिटल इनपुट कार्ड, इसको बोलते हैं DIC कार्ड, डिजिटल इनपुट कार्ड। ये डिजिटल इनपुट कार्ड आप जब यूरो रैक में देखेंगे तो आपका जो सीपीयू कार्ड जो है, आपका जो टॉप वाला जो यूरो रैक था उस सीपीयू कार्ड, एक्चुअल में यहाँ पर यूरो रैक में देखेंगे पहला कार्ड जो है वो आपका मोडेम कार्ड के लिए रिजर्व है डेटा लॉगर में, यह इनबिल्ट मोडेम कार्ड कहलाता है। ये आपका इंटरनल मोडेम कार्ड रहेगा, इनबिल्ट जो आपके अंदर की तरफ ही लगता है, बाहर नहीं लगता है, तो इसको बोलेंगे इंटरनल मोडेम कार्ड। और यहाँ पर ये मोडेम कार्ड में दो मोडेम इनबिल्ट है इसलिए इसको ड्यूअल मोडेम कहते हैं, और एक को आंसरिंग के नाम से जानते हैं, एक को ओरिजिनेटिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका जो कार्ड है ये आपका सीपीयू कार्ड कहलाता है, और सीपीयू कार्ड फ्रंट में ही आपकी डिस्प्ले यूनिट रहेगी, अंदर आपका एक सीपीयू कार्ड रहेगा जिसके ऊपर आपका प्रोसेसर, रैम, रोम, जैसे कंप्यूटर में जैसे चीजें होती है वो सारी चीजें इसमें रहेगी, यानी रैम, रोम, जो भी चाहिए इंटरफेसिंग के लिए जो पोर्ट्स है वो सब आपके वहां पर रहेंगे। फिर इसके अलावा इसमें दो कार्ड और आते हैं, एक आपका कम्युनिकेशन कार्ड आता है, एक आपका इंटरफेसिंग कार्ड आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन कार्ड का प्रयोग अपन कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, और इंटरफेसिंग कार्ड का जो यूज है वो आपके जो इंटरफेसिंग हो रहे हैं एनालॉग डेटा डिजिटल डाटा जो आपके सीपीयू कार्ड के साथ इंटरफेसिंग करेंगे उसके लिए उसको काम में लिया जाता है। ठीक है, इस सीपीयू कार्ड के पास में यहाँ पर ये जो कार्ड लगे हैं इनको बोलते हैं डिजिटल इनपुट कार्ड, DIC कार्ड। ठीक है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर 8 कार्ड लगे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये जो DIC कार्ड दिया है ये आपकी 8 कार्ड लगाने का बैक प्लान एक्चुअल में फिक्स आता है। जब आप इनिशियल में लोगे तो ये बैक प्लान के साथ आएगा, अगर आपके डिजिटल डेटा कम है तो कम कार्ड लगे रहेंगे, डिजिटल डेटा ज्यादा है तो वहां पर अधिकतम 8 कार्ड आप लगा सकते हो, कौन से, डिजिटल इनपुट कार्ड। ठीक है, यहाँ पर इस डिजिटल इनपुट कार्ड की जो कैपेसिटी होती है डिजिटल डेटा को मॉनिटर करने की वो होती है 64 डिजिटल डेटा, यानी यहाँ पर एक डिजिटल इनपुट कार्ड जो है वो 64 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकता है, और टोटल 8 कार्ड है तो इसकी मदद से यहाँ पर आप 512 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकते हो। और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मेक डेटा लॉगर की मिनिमम कैपेसिटी कहलाती है, मिनिमम इसलिए कहते हैं एक्चुअली ये बैक प्लेन इनबिल्ट आता है 8 कार्ड का, और आप यहाँ पर ये 512 डेटा कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा अगर है तो आपको अलग से बैक प्लेन लगा करके अलग से आपको कार्ड लगाना रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम हो गई 512। अगर मान लो इससे ज्यादा आपके पास डिजिटल डेटा है तो उसमें दो ऑप्शन है, अगर आपके पास कम है तो आप वहां पर DIC कार्ड लगा सकते हो, दूसरा इसका एक और कार्ड आता है जिसको बोलते हैं DSU कार्ड, डिजिटल स्कैनर यूनिट। और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डेटा लॉगर की ये फीचर है, इसके अंदर आप अधिकतम 7 कार्ड लगा सकते हो, DSU कार्ड अधिकतम 7 लगा सकते हो, और एक कार्ड के द्वारा 512 डिजिटल डेटा को मॉनिटर किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो DSU कार्ड है, एक DSU कार्ड 8 डिजिटल इनपुट कार्ड के बराबर काम करता है, और एक डिजिटल स्कैनिंग यूनिट की जो कैपेसिटी होती है वो 512 डिजिटल डेटा को मॉनिटर करने की होती है। तो यहाँ पर ये 7 कार्ड है, तो इस 7 कार्ड के मदद से अपन यहाँ पर 3584 डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं।
तो जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4096। तो डिजिटल इनपुट कार्ड और डीएसयू कार्ड की मदद से अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा लॉगर के द्वारा अधिकतम 4096 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं। मिनिमम 512, अधिकतम 4096 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिजिटल डेटा क्या है, तो मैंने आपको बताया था रिले कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर ये रिले को मॉनिटर करता है। और रिले को मॉनिटर करने के लिए क्या काम मिलेगा, ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट काम मिलेगा। किसको काम मिलेगा, पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट को काम मिलेगा। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट कोई भी हो सकता है, फ्रंट कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, बैक कॉन्टेक्ट भी, जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट अवेलेबल है उसकी मदद से अपन उस रिले के स्टेटस को मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डिजिटल इनपुट्स आ रहे हैं इनकी कैटेगरी 3 भागों में डिवाइड की गई है। एक्चुअली यहाँ पर रिले जो है वो आप 3 भागों में बांटी गई है। एक होती है आपकी पैनल से ऑपरेट होने वाली रिले, एक होती है आपकी फील्ड से ऑपरेट होने वाली, और तीसरी आपकी होती है इंटरलॉकिंग की रिले जो आपके रिले रूम में ही लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीनों तरह के जो डेटा है डिजिटल डेटा, यानी एक तो पैनल से जो कमांड आ रहा है और उस कमांड के द्वारा जो रिले ऑपरेट हो रही है वो आपकी पैनल की रिले कहलाती है। दूसरा फील्ड से जो डेटा आ रहा है, और फील्ड का जो स्टेटस आपको रिले रूम को बताता है, जैसे टीपीआर, एनडब्ल्यू के आर, आरडब्ल्यू के आर, जो भी है सेंट कंट्रोल के लिए, या लेवल क्रॉसिंग के लिए एलसीपीआर, जो भी बना रखा है एलसी, एसपीआर, एससीकेआर, जो गेट को क्लोज प्रूफ करती है, ठीक है, स्लॉट के लिए जो भी बना रखी है, तो वो जो सारी है फील्ड की रिले कहलाती है। और तीसरा आपका होता है इंटरलॉकिंग की रिले, जिसका प्रयोग अपन रिले रूम के अंदर ही इंटरलॉकिंग की जो डिफरेंट शर्तें हैं उसको चेक करने के लिए करते हैं। तो उसके अंदर आपकी आ जाती है यूसीआर है, टीएसआर है, एएसआर है, फिर आपका UR1, UR2, UR3 है। ठीक है, यानी ऐसी रिले जो इंटरलॉकिंग की शर्तें प्रूफ करने के लिए अंदर बनाई जाती है। तो ये जो सारी रिले है वो डिजिटल डेटा के रूप में ही सीपीयू कार्ड के द्वारा मॉनिटर की जाती है। और इसका जो स्कैनिंग टाइम होता है, यानी सीपीयू कार्ड के द्वारा डिजिटल इनपुट कार्ड की मदद से जो डिजिटल डेटा को मॉनिटर करने का जो टाइम है वो आपका 16 मिली सेकेंड रहता है। तो यहाँ पर अपन ने बात की डिजिटल इनपुट कार्ड के बारे में, डीएसयू कार्ड के बारे में, जिससे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अधिकतम आप 8 डिजिटल इनपुट कार्ड लगा सकते हैं, और एक डिजिटल इनपुट कार्ड की मदद से आप 64 डिजिटल डेटा को, यानी 64 रिले के स्टेटस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ 8 कार्ड की मदद से आप 512 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं, और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मेक डेटा लॉगर की मिनिमम कैपेसिटी कहलाती है। और अगर इससे ज्यादा है तो अपन इसके अंदर अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो डिजिटल इनपुट कार्ड लगा सकते हैं या फिर अपन डीएसयू कार्ड लगा सकते हैं। डीएसयू का फुल फॉर्म होता है डिजिटल स्कैनर यूनिट, तो या डीएससी भी बोल सकते हैं, डिजिटल स्कैनिंग कार्ड। और ये क्या करता है, डेटा लॉगर में अधिकतम आप ये 7 कार्ड लगा सकते हो, और इस एक कार्ड की मदद से आप 8 डिजिटल इनपुट कार्ड के डेटा को मॉनिटर के बराबर डेटा को मॉनिटर कर सकते हो। यानी यहाँ पर इस एक कार्ड की मदद से 512 डिजिटल डेटा को मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, तो अधिकतम 7 लगाओगे तो 7 डीएसयू कार्ड की मदद से आप अधिकतम 3584 3584 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकते हो। तो टोटल जो कैपेसिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा लॉगर की जो आएगी वो 4096 डिजिटल डेटा की आती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा लॉगर के द्वारा अधिकतम 4096, मिनिमम 512 डिजिटल डेटा को मॉनिटर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है एएसयू कार्ड, नीचे जो दिख रहा है आपको, ये एएसयू क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में यहाँ पर जो कम्युनिकेशन जो करेगा सीपीयू कार्ड के साथ, तो वो एक्चुअल में इसमें विद कंट्रोल वाला कार्ड करता है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम जो रहेगा वो आपको इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये आपके डिजिटल इनपुट कार्ड हो गए, जिसके ऊपर ये ऐसे लिखा रहेगा डिजिटल इनपुट कार्ड, लेफ्ट से राइटिंग काउंट चलेगी 1 2 3, और जो भी आपके डेटा भी जो लाओगे तो पीछे आप नंबरिंग लिखे रहते हैं जहां पर आप कनेक्ट करोगे, तो 1 से 8 वाले अलग रहेगा कार्ड, फिर 9 से 16 अलग रहेगा, फिर 17 से, इस तरह से आगे बढ़ेगा। और एनालॉग के लिए जो कार्ड रहेगा आपका वो इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये एक्चुअली आपको यहाँ पर कार्ड दिख रहा है, एक पर 3 LED रहेगी और एक पर 1 LED, ये 3 LED होती है एक्चुअल में, और एक पर 1 LED होती है, और ये एक्चुअल में बैक प्लेन आता है जिसके ऊपर आप 4 कार्ड लगा सकते हो अधिकतम। और यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअल एक कार्ड की बात करूं तो एक कार्ड के द्वारा आप 8 एनालॉग डेटा को मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन करेगा वो विद कंट्रोल वाला कार्ड ही करेगा, तो विद कंट्रोल कार्ड के द्वारा आप 16 डेटा को मॉनिटर कर सकते हो।
यानी 8 तो खुद के द्वारा और 8 इस विदाउट कंट्रोल पास के द्वारा, यानी टोटल 16 एनालॉग डेटा को मॉनिटर करेंगे। इसी तरह से आपका दूसरा रहेगा जहां पर भी विद कंट्रोल और विदाउट कंट्रोल इसी तरह से लगेगा। इस तरह से आप यहां पर अधिकतम इस तरह के 3 बैकप्लेन लगा सकते हो, और 3 बैकप्लेन की मदद से एक बैकप्लेन पे 4 कार्ड, 3 बैकप्लेन पे बात करेंगे तो टोटल आपके 12 कार्ड आ गए। 12 नंबर ऑफ कार्ड की मैं बात कर रहा हूं, 12 कार्ड, और एक कार्ड का जो चैनल कैपेसिटी होता है वो 8 का होता है, तो 12 इंटू 8 करोगे तो आएगा 96, और अगर 4 कार्ड की करोगे तो 4 इंटू 8 करोगे तो 32, तो ये आपका मिनिमम कैपेसिटी कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो ACU कार्ड लिखा है ये एक्चुअल में पेयर के रूप में काम करता है, इसलिए इसको एनालॉग स्कैनर यूनिट बोलते हैं, और यहाँ पर ये एनालॉग डेटा को मॉनिटर करता है। एनालॉग डेटा में AC DC वोल्टेज को मॉनिटर करेगा या DC करंट को मॉनिटर करेगा। तो इसकी जो मिनिमम कैपेसिटी रहेगी वो 32 रहेगी, एक बैकप्लेन लगा पर के जिसके ऊपर आप 4 डेटा 4 कार्ड कनेक्ट कर सकते हो, और एक कार्ड के द्वारा आप 8 एनालॉग डेटा को मॉनिटर कर सकते हो। और यहाँ पर जो कार्ड लगे हैं दो तरह के कार्ड होते हैं, एक आपका विद कंट्रोल कहलाता है, एक विदाउट कंट्रोल कहलाता है। विदाउट कंट्रोल जो कार्ड होता है वो सीधा इंटरफेस नहीं करता है CPU कार्ड के साथ, और विद कंट्रोल वाला होता है वो आपका CPU कार्ड के साथ सीरियल पोर्ट के माध्यम से डेटा को भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है एक जो बैकप्लेन आती है उसमें 4 कार्ड लगेंगे, और उसकी मदद से अपन 32 एनालॉग डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं। ये आपकी मिनिमम कैपेसिटी हो गई, और यहाँ पर आपके 3 बैकप्लेन लगाए जा सकते हैं, और 3 बैकप्लेन पर आप टोटल 12 कार्ड, यानी उसमें 6 कार्ड विद कंट्रोल के होंगे, 6 विदाउट कंट्रोल के होंगे, और उन सभी कार्ड की मदद से आप अधिकतम 96 एनालॉग डेटा को मॉनिटर कर सकते। ठीक है, एनालॉग डेटा में आपको बताया था AC DC वोल्टेज या आपका DC करंट रहेगा, या एक्सेल काउंटर की जो चैनल वोल्टेज आती है, रिसीवर कॉइल का जो रीडिंग है उसको भी आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनालॉग डेटा हो गया। तो अपन ने अभी तक डेटा लॉगर में यहाँ पर ये पढ़ा था डिजिटल इनपुट कार्ड, डिजिटल स्कैनिंग यूनिट या डिजिटल स्कैनिंग कार्ड, और एनालॉग स्कैनिंग यूनिट या एनालॉग स्कैनिंग कार्ड। अब आगे अपन बात करेंगे CPU के बारे में। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके इस डेटा लॉगर का मेन ब्रेन होता है जो सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो आपका मोटोरोला का प्रोसेसर लगा है M68000। इसकी जो क्लॉक है वो आपकी 20 मेगाहर्ट्ज की रहेगी, मोटोरोला का प्रोसेसर लगा है, और इसके अंदर आपकी रैम और रोम रहेगी। और इसको ऑपरेट करने के लिए इसके आवश्यक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें इनबिल्ट आते हैं। यहाँ पर इसमें जो रैम है वो दो भागों में बटी है, एक रैम जो होती है जो इसके फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए काम में ली जाती है, और एक जो रैम होती है नैंड फ्लैश रैम रहेगी जिसके अंदर इसके इवेंट्स स्टोर होते हैं। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डेटा लॉगर होता है उसकी इवेंट्स स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो 10 लाख पैकेट्स की या 10 लाख इवेंट्स की होती है, और ये इसके अंदर परमानेंट स्टोर होता है। एक्चुअल में रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो अपन पढ़ के आए हैं पहले, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसकी एक बैटरी बैकअप इंटरनली रहता है जो आपके रियल टाइम क्लॉक को भी बैकअप देता है और इस रैम को भी बैकअप देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपके इवेंट्स स्टोर रहते हैं, और उस बैटरी का जो कोडल लाइफ है वो आपका 10 ईयर्स रहेगा। तो उसके लिए अपन जब भी मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो अपन ये सुनिश्चित करते हैं इसका जो बैकअप मतलब जो बैटरी है वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 10 साल होने वाले हैं तो उसको अपन को टाइम पर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी रोम जिसके अंदर आवश्यक इसके ऑपरेटिंग और इसको कमांड देने वाले सॉफ्टवेयर रहेंगे। इसके बाद इस CPU का काम क्या है, तो CPU एक्चुअल में आप देखोगे तो इसके फ्रंट में एक आपका डिस्प्ले यूनिट रहेगा, और उस डिस्प्ले यूनिट को जब बाहर निकालते हो तो अंदर की तरफ आपका ये प्रोसेसर कार्ड लगा है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें दो कार्ड मैंने आपको बताए थे और होते हैं, जिसमें एक इंटरफेस कार्ड कहलाता है, एक कम्युनिकेशन कार्ड कहलाता है, और इस CPU कार्ड के ऊपर आपके दो डिप स्विच आते हैं जिसके द्वारा इसकी एड्रेसिंग की जाती है। तो दो डिप स्विच का सेट रहेगा, जिसमें एक डिप स्विच का जो सेट होता है वो डेटा लॉगर की आईडी डिफाइन करने के लिए होता है, यानी जब आप नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे
उस समय आपके जो डेटा नेटवर्क में चल के जो सेंट्रल लोकेशन पे या जहां पहुंचेंगे वहां पर एक एड्रेसिंग के साथ जाते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए आपके यहाँ पर एक डिप स्विच रहेगा जिसके द्वारा अपन डेटा लॉगर की आईडी डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर जो डेटा लॉगर की आईडी डिफाइन करते हैं उसका जो आइडेंटिफिकेशन जो नंबर स्टार्ट होता है डिफॉल्ट कंडीशन में 65 से होता है, यानी इसका जो नंबरिंग स्टार्ट होगा वो डिफॉल्ट 65 से चालू होगा, ठीक है। दूसरा जो स्विच होता है इसमें मैंने बताया था दो डिप स्विच है, एक आपका डेटा लॉगर की आईडी के लिए रहेगा, दूसरा जो होता है वो आपके यहाँ पर डिजिटल इनपुट्स कितने काम में लिए जा रहे हैं इस डेटा लॉगर के द्वारा उसको कॉन्फिगर करने के लिए लिया जाता है। तो ये आपके 512 के मल्टीपल में चलेगा, यानी 512 1024 इस तरह से आप जैसे बढ़ाओगे वहां पर एड्रेसिंग के द्वारा डिफाइन करोगे, जो एड्रेसिंग बताओगे तो उससे पता चलेगा वहां पर वो इतने डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर रहा है। तो दो डिप स्विच रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सीपीयू कार्ड करता क्या है, तो सीपीयू कार्ड का जो मेन फंक्शन है वो यह है डिजिटल इनपुट कार्ड डीएसयू कार्ड और एएसयू कार्ड की मदद से डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा को कंटिन्यूस वॉच करना, और जो स्कैनिंग टाइम दिया गया है जो मैंने बताया था आपको डिजिटल डेटा का जो स्कैनिंग टाइम है वो 16 मिलीसेकंड है, एनालॉग डेटा का जो स्कैनिंग टाइम है वो लेस देन 1 सेकंड है। तो सीपीयू कार्ड डिजिटल इनपुट कार्ड या डीएसयू कार्ड की मदद से हर 16 मिलीसेकंड में डिजिटल डेटा को ऑब्जर्व करता है, और लास्ट पोजिशन में अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसी समय के साथ उसको अपने पास स्टोर करके रख लेता है। और एनालॉग डेटा के लिए सीपीयू कार्ड एनालॉग कार्ड की मदद से हर एक सेकंड में एनालॉग डेटा को मॉनिटर करता है, और लास्ट रिकॉर्डेड वैल्यू में अगर प्लस माइनस 5% का अगर चेंज आता है तो उसको अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेटा स्टोर करेगा वो पैकेट्स के रूप में करेगा, और उसकी जो पैकेट्स स्टोर करने की कैपेसिटी मैंने अभी आपको बताई थी 10 लाख पैकेट्स या 10 लाख इवेंट्स की रहती है, ठीक है। तो इससे करता है, उसके बाद ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है FIFO, ठीक है। इसके अलावा आपका ये जो सीपीयू कार्ड जो रहेगा इसके लेफ्ट साइड में मैंने बताया था आपका जो डेटा लॉगर है उसके लेफ्ट साइड में आपका एक पोर्ट अडेप्टर कार्ड रहेगा जिसके ऊपर आपके सीरियल पोर्ट्स रहेंगे। ये जो सीपीयू कार्ड है दूसरे हार्डवेयर के साथ जो कम्युनिकेशन करता है तो उसके लिए दो तरीके काम में लेता है, एक तो सीरियल पोर्ट के द्वारा, एक आपके पैरेलल पोर्ट के द्वारा। सीरियल पोर्ट जो होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड में, मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया था कि आपका जो डेटा लॉगर के बॉक्स के फ्रंट में खड़े, तो लेफ्ट साइड का जब आप ढक्कन ओपन करेंगे तो आपकी जो एनालॉग डेटा टर्मिनेट करने के लिए जो प्रोटेक्शन स्ट्रिप दी गई उसके ऊपर की तरफ एक अडेप्टर पीसीबी होती है, उसके ऊपर आपके 16 सीरियल पोर्ट दिए हुए रहते हैं। और बैक साइड का जब आप ढक्कन खोलोगे तो पीछे की तरफ एक पोर्ट होता है जिसको पैरेलल पोर्ट बोलते हैं, तो उस पैरेलल पोर्ट के ऊपर आप पैरेलल पोर्ट का जो प्रिंटर आता है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस सीपीयू कार्ड के फ्रंट में जो मेन मशीन इंटरफेसिंग टूल दिया गया है उसकी मदद से आप प्रिंट कमांड देकर के उस पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट प्रिंटर के ऊपर आप प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो डेटा लॉगर है सीरियल पोर्ट के द्वारा दूसरे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, तो उसके लिए यहाँ पर टोटल 16 सीरियल पोर्ट दिए हुए रहते हैं। तो इसमें तीन पोर्ट्स तो मैंने बताया था, आपके डिस्प्ले यूनिट सीरियल प्रिंटर और आपके मेमोरी कार्ड के लिए रिजर्व होते हैं। 4 पोर्ट जो होते हैं वो आपके तीन तो आंसरिंग ओरिजिनेटिंग और 3 नेटवर्क यानी आपके नेटवर्क के लिए रहेगा, और एक आपका डिबगर पोर्ट होता है डिबगिंग पोर्ट जिसको बोलते हैं। ये सुबह मैंने आपको यहाँ पर बताया था पोर्ट्स के बारे में, और ये पोर्ट जब आप देखोगे तो उसके ऊपर ही उसकी वर्किंग लिखी रहती है कि कौन सा पोर्ट किसके लिए रिजर्व्ड है या क्या वो काम करेगा। जैसे यहाँ पर आपको ये पट्टी दिख रही है, ये जो मैंने सुबह बताया था आपको, ये जो पोर्ट है ये जिसमें ऊपर वाले जो 4 पोर्ट अभी मैं बता रहा था, 3 तो आपके नेटवर्क के लिए रहते हैं, एक आपका डीबगर पोर्ट रहेगा, और 6 ये पोर्ट जो है वो आपके एनालॉग डेटा टर्मिनेट यानी एनालॉग जो डेटा आपके एएसयू कार्ड की मदद से जो आ रहा है, ये जो सीपीयू को जो डेटा जाएगा वो इस सीरियल पोर्ट के माध्यम से जाएगा। इसके अलावा 2 इसमें आपके RTU के लिए टर्मिनल रहेंगे, एक आपका प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड के कम्युनिकेशन के लिए रहेगा, एक आपका सीरियल पोर्ट के प्रिंटर का रहेगा। इस तरह से यहाँ पर ये 16 जो पोर्ट है वो डिफाइंड है। 6 पोर्ट्स आपके एनालॉग डेटा के लिए रहेंगे, 4 पोर्ट मैंने बताया था आपके नेटवर्क के लिए रहते हैं, और 3 पोर्ट जो होते हैं जिसमें एक तो आपका RTU या EI के लिए या पॉइंट मशीन की हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए अगर आपने कोई लगा रखा है तो उसके लिए उसको यूज किया जाता है।
इस तरह से इसमें 16 पोर्ट है और ये नॉमिनेटेड रहते हैं। तो आप जब अडेप्टर पीसी पे ऊपर जाके देखेंगे तो उस सीरियल पोर्ट के ऊपर लिखा रहता है कौन सा सीरियल पोर्ट किन के लिए। तो अगर सीरियल प्रिंटर की बात करेंगे तो सीरियल प्रिंटर के लिए जो नॉमिनेटेड पोर्ट है उसके ऊपर आप प्रिंटर जब कनेक्ट करेंगे तो सीरियल पोर्ट का प्रिंटर जब कनेक्ट करेंगे तो इंटरफेस से मेन मशीन कमांड के थ्रू जब आप कमांड दोगे तो वहां पर आप प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस सीपीयू कार्ड के फ्रंट पर आपकी कुछ चीजें होती है जो थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। डिस्प्ले कार्ड जो है सीपीयू कार्ड के फ्रंट में लगा रहता है, तो उसमें मैंने आपको सुबह ही बताया था क्या क्या चीजें होती है। तो आपका एक तो एलसीडी डिस्प्ले रहेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम जो बताया है, इस सीपीयू कार्ड से जुड़ी हुई एक तो आपका ये कीपैड रहेगा, एक आपका 2x24 का एलसीडी डिस्प्ले रहेगा और एक आपका 512 एलईडी का मैट्रिक्स रहेगा। ये आपका जो सीपीयू कार्ड के फ्रंट में जो डिस्प्ले यूनिट लगी हुई है उसके ऊपर होती है। इसके अलावा इस डिस्प्ले यूनिट पे मैंने बताया था एक रीसेट बटन रहेगा और एक आपका मेमोरी कार्ड का स्लॉट रहेगा। तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड का जो स्लॉट है ये आपके सीपीयू कार्ड के जो डेटा है उसको मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जब आप मेमोरी कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करोगे और यहाँ से कमांड देख करके जो भी डाटा अपलोड या डाउनलोड करना है यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर रीसेट बटन होता है, तो अगर आपका ये डिस्प्ले यूनिट अगर हैंग होता है तो उसको रिफ्रेश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इस डिस्प्ले यूनिट पे ऊपर की तरफ एक आपका डिस्प्ले यूनिट है और नीचे ये आपका कीपैड दिख रहा है, न्यूमेरिक कीपैड, टेलीफोन का जो पहले सिंपल कीपैड आता था। तो इन दोनों को बोलते हैं मेन मशीन इंटरफेसिंग टूल्स। तो ऊपर वाला जो डिस्प्ले यूनिट है ये आपके मॉनिटर की तरह काम करता है और ये कीपैड आपके इनपुट कमांड की तरह काम करता है। तो जब भी आपको इस डेटा लॉगर या प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग करना है या कोई कमांड या कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तब आप कीपैड के द्वारा जब कमांड दोगे और उस कमांड को जो भी एग्जीक्यूट करना है तो आपको ये डिस्प्ले पे दिखाई देगा। यानी ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे आपका कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, मॉनिटर और कीपैड होता है। कीपैड से जब आप कमांड देते हो तो पहले सीपीयू को जाता है और आपने क्या बटन प्रेस किया है वो आउटपुट के रूप में आपको डिस्प्ले पे दिखाई देता है। तो सेम आपका ये रहेगा। तो इन दोनों को अपन बोलते हैं मेन मशीन इंटरफेसिंग टूल्स। ठीक है, और डिफॉल्ट कंडीशन में जो डिस्प्ले यूनिट होती है ये आपके नेटवर्क में कितने पैकेट्स ट्रांसफर हो चुके हैं, कितने फेलियर है पैकेट्स और कितने डिले है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा एक टी लिखा है, एक एफ लिखा है और एक डी लिखा है। टी मतलब है कितने पैकेट ट्रांसफर हो चुके हैं, एफ मतलब कितने पैकेट्स फेल हुए हैं और डी मतलब कितने पैकेट डिले है। ठीक है, और यहाँ पर कॉम वन और कॉम टू लिखा था। एक्चुअल में यहाँ पर दो पाथ देते हैं जो आगे अपन बात करेंगे। तो ये दोनों पाथ के ऊपर पैकेट्स के स्टेटस को शो करता है डिफॉल्ट कंडीशन। और जब यहाँ से कमांड देते हो कीपैड से उस समय कौन सा फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास इसकी जो लिस्ट है कमांड की फ्लो चार्ट कि आपको क्या फंक्शन एग्जीक्यूट करना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं है तो आपको इसको नहीं छेड़ना है। तो उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा और फील्ड में जब भी आप काम करें नए हो तो जो भी आपके सीनियर्स हैं या जो भी सुपरवाइजर सेक्शन में है तो उनके सुपरविजन में ही आप इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें और एक बार अच्छे से समझ लें। उसके बाद इतना टिपिकल नहीं है, एक बार आप समझ लोगे तो उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कैसे करेंगे अपन लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें रहता है। अभी खाली ये समझ लो कि मेन मशीन इंटरफेसिंग टूल्स क्या करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक 512 एलईडी का मैट्रिक्स है। तो आपको यहाँ पर लाल कलर की बिंदियां दिख रही है, ये छोटी छोटी एलईडीज होती है। तो इस एलईडी में एक्चुअल में एक रोम में टोटल 32 16+16 एक्चुअल में ये 16 है और फिर ये 16 है। तो 32 और इस तरह की ये टोटल 16 रो बनेगी। तो 32x16 करोगे तो ये आएगा 512। तो ये आपका 512 का एलईडी मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें लाल कलर की एलईडी ग्लो करती है, कुछ ब्लैंक रहती है। तो ये जो 512 एलईडी का जो मैट्रिक्स है ये लाइव स्टेटस बताता है डिजिटल डेटा का। किसका बताता है? डिजिटल डेटा का। तो अपन ने अभी इनिशियल में बात किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेक डेटा लॉगर के द्वारा अधिकतम 4096 डिजिटल डेटा को मॉनिटर किया जा सकता है। तो एक्चुअल में ये जो डिस्प्ले में 512 एलईडी मैट्रिक्स दिख रहा है ये एक समय में सिर्फ 512 डिजिटल डेटा को ही बताता है। अब इसको आपको आगे जानना है कि भाई बाकी के डेटा क्या है तो उसके लिए आपको कीपैड से कमांड देना होता है और इस पेज को चेंज करना होता है। तो ये एक्चुअल में आपका पेज कहलाएगा और डिफॉल्ट कंडीशन में ये जीरो नंबर पेज होता है, यानी पहला नंबर पेज रहेगा।
और इसके अंदर आपकी 1 से 512 बार, अगर मान लो पेज का पोजीशन किसी ने चेंज कर रखा है तो वहां पर वही पेज डिफॉल्ट में डिस्प्ले करेगा। तो आपको ये कमांड में जाके देखना है कौन सा पेज नंबर है, और उसके बाद आप यहाँ पर एलईडी नंबर काउंट करोगे और आपने जो डेटा डिजिटल डेटा जिस नंबर पे टर्मिनेट किया है तो आप इस एलईडी को देख के पता कर सकते हो। तो एक्चुअल में डेटा लॉगर की जब वायरिंग करते हैं तो उसकी एक कॉन्टेक्ट एनालिसिस शीट बनाई जाती है और उसमें बताया जाता है कि कौन सा कॉन्टेक्ट काम में लिया गया, कितने नंबर पे उसको यूज किया गया। तो अगर वो लिस्ट आपके पास है तो आप उस नंबर के आधार पर इस एलईडी को काउंट करके सीधा उसका पोजीशन जान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डिजिटल डेटा के लिए पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट काम में लिया गया है, और पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट में अपने पास रिले में 2 कॉन्टेक्ट होते हैं, एक फ्रंट कॉन्टेक्ट होता है, एक आपका बैक कॉन्टेक्ट होता है। तो इनिशियल में जब डेटा लॉगर आया था तो ऑलरेडी पीआई जो है वर्किंग में थे, तो उस कंडीशन में अपने क्या किया था, कोई भी एक कॉन्टेक्ट काम में लिया था। तो अगर आपने फ्रंट कॉन्टेक्ट काम में लिया है तो उस समय जब ये एलईडी जल रही है इसका मतलब वो रिले क्या है, पिकअप है, और एलईडी अगर नहीं जल रही इसका मतलब रिले ड्रॉप है। और अगर इसका रिवर्स है, अगर आपने बैक कॉन्टेक्ट काम में लिया है और एलईडी जल रही है इसका मतलब रिले ड्रॉप है, और एलईडी नहीं जल रही है इसका मतलब रिले आपकी पिकअप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, वैलिडेशन के दौरान काफी दिक्कत आती थी और इसमें काफी रिपीटर्स रिले होती, तो कंफ्यूजन की भी संभावना रहती है। जैसे आप टीपीआर बनाते हो तो एक से ज्यादा टीपीआर बनी जाती, तो किसी में फ्रंट खाली होता था, किसी में बैक खाली होता था, तो लिखने के दौरान और रीड करने के दौरान भी कंफ्यूजन क्रिएट करती थी। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया है, अभी रेलवे बोर्ड की जो नई पॉलिसी आई कि जो न्यू इंस्टॉलेशन जहां पे भी होंगे तो वहां पर हमेशा फ्रंट कॉन्टेक्ट ही काम में लिया जाएगा। ये एक्चुअल में प्रैक्टिस बनाई गई है, पर डेटा लॉगर के लिए ऐसा नियम नहीं, डेटा लॉगर कोई भी पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट के द्वारा रिले के स्टेटस को मॉनिटर कर सकता है। लेकिन आपके कंफ्यूज मतलब वर्क फील्ड में वर्किंग के दौरान जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इससे बचने के लिए पॉलिसी बनाई गई, अब जो न्यू वर्क जहां पे भी होगा वहां पर फ्रंट कॉन्टेक्ट ही काम में ले जाएगा, और उसके लिए भी नॉमिनेटेड कॉन्टेक्ट डिफाइन कर दिए गए, ये कॉन्टेक्ट डेटा लॉगर कॉन्टेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो मेटल टू कार्बन की अगर रिले लगी है तो उसमें कॉन्टेक्ट नंबर C1 C2 जो है वो आपका डेटा लॉगर के लिए नॉमिनेटेड रहेगा, और मेटल टू मेटल की रिले अगर है तो 71 72 जो नंबर है वो आपके डेटा लॉगर के लिए नॉमिनेटेड कॉन्टेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 512 एलईडी का मैट्रिक्स हो गया। इसी के अलावा इस 512 एलईडी मैट्रिक्स से ऊपर एक आपको न्यूमरिक वैल्यू में टाइम डिस्प्ले कर रहा है, तो ये आपके सीपीयू का रियल टाइम क्लॉक है, और ये आपको ये बताता है कि जो भी डेटा स्टोर हो रहे हैं वो किस समय के साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो समय डिस्प्ले कर रहा है उस समय के साथ ही आपके डेटा स्टोर होंगे। तो आपको ये सुनिश्चित करना है मेंटेनेंस के दौरान या जब भी इनिशियल इंस्टॉल करें, ये जो टाइम है आपकी स्टेशन बिल्डिंग की क्लॉक से मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं है तो मैन मशीन इंटरफेसिंग टूल से मैं जो कमांड दिया हुआ है वहां से जाके आप इस डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, और ये भी आपका एक इवेंट है, जब भी आप इसको चेंज करोगे तो उसका स्टेटस एक पैकेट्स के रूप में वहां पर स्टोर होगा। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से टाइम चेंज कर लेगा पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आप जब भी टाइम चेंज करोगे तो वो भी एक पैकेट्स के रूप में वहां स्टोर होगा, और ये बताएगा कि वहां पर ये समय लास्ट कब चेंज किया गया है। इसके अलावा आपके इस क्लॉक यानी जो टाइम डिस्प्ले हो रहा है इसके बाजू में 3 एलईडी और दी गई है, ये आपके डेटा लॉगर की हेल्थ के बारे में जानकारी, डेटा लॉगर के हेल्थ या उसके स्टेटस के बारे में आपको जानकारी देती है। तो इसमें जो 3 एलईडी है इसमें एक पावर की एलईडी रहेगी, एक मिनट आपको पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर बता देता हूं कैसे दिखती है ये। ये जो एलईडी है आपकी एक है पावर की एलईडी जो सेंटर में है, येलो कलर की रहती है, हेल्थ की एलईडी ऊपर रहेगी, ग्रीन कलर की रहेगी, और एक आपकी रन की एलईडी रहती है। हेल्दी कंडीशन में आपकी ये तीनों एलईडी चलनी चाहिए, ये तीनों एलईडी चल रही इसका मतलब मेरा सिस्टम हेल्थ। तो जब भी आप सिस्टम को पावर सप्लाई देंगे तो सबसे पहले सेंटर वाली एलईडी जलेगी, उसके बाद सिस्टम आपका बूट होगा, अगर बूट ओके है उस समय आपकी रन वाली एलईडी ऑन होगी, और जब सिस्टम सभी तरह से ओके है, सारे करेस्पोंडेंस ओके है, उस समय हेल्थ की एलईडी भी जल जाएगी। तीनों एलईडी जलना ये बताता है कि आपका जो डेटा लॉगर है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। अगर आपकी हेल्थ की एलईडी बंद है इसका मतलब आपका प्रोसेसर का बूट फेल हुआ, यानी वो हैंग हुआ है, आपको उसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए मैंने बताया था अगर डिस्प्ले यूनिट का प्रॉब्लम हुआ तो आप सामने वाले जो बटन से कर सकते हो, और नहीं तो पावर सप्लाई के द्वारा बंद करके अपन पूरे सीपीयू को क्या करते हैं, डेटा लॉगर को पूरा रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हार्डवेयर साइड से कोई दिक्कत नहीं होगी तो रिस्टोर हो जाएगा, अगर हार्डवेयर साइड से रहेगा तो ये परमानेंट रहेगा। और दूसरा ये आपका रन की एलईडी अगर बंद हो गई
तो उस समय आपका जो प्रोसेसर है वो हॉल्ट कंडीशन में चला गया है, तो उसका दो कारण हो सकता है, या तो कहीं से हार्डवेयर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, इसको भी एक बार रिस्टार्ट करके देखना है, अगर सॉफ्टवेयर साइड की मल फंक्शनिंग की वजह से होल्ड कंडीशन में गया है तो रिस्टोर हो जाएगा, अगर हार्डवेयर साइड से रहेगा तो ये परमानेंट बना रहेगा, तो उसको अपन को चेक करना रहेगा। और पावर की एलईडी नहीं जल रही, इसका मतलब सारी एलईडियां बंद रहेगी यानी सिस्टम को कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। तो ये आपका डिस्प्ले यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये बता दिया, पैरेलल पोर्ट मैंने आपको बता ही दिया था जिसके ऊपर आप पैरेलल पोर्ट का प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, और सीरियल पोर्ट्स होते हैं तो सीरियल पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। पुराने मैचुअल मार्ट आते थे, नए जो डेटा लॉगर आ रहे हैं उसमें 16 सीरियल पोर्ट है, और 16 का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था कौन सा पोर्ट किसके लिए रिजर्व रहेगा। ये आपका मेमोरी कार्ड है, आपके जो भी डेटा को रिट्राइव करके आप मेमोरी कार्ड में कहीं लाना ले जाना चाहते हो या कोई भी डेटा अपडेट करना चाहते हो इसके अंदर, तो मेमोरी कार्ड के यूज से अपन इसको कर सकते हैं। फिर रिले की वायरिंग के लिए जो वायर काम में लेंगे, तो मेटल टू कार्बन के लिए जो होता है वो आपका 0.2 mm का मोटाई का जो वायर होता है मल्टी स्टैंड का, 16 मल्टी स्टैंड का, वो अपन वायर काम में लेते हैं। और टैग ब्लॉक टू डिजिटल टैग ब्लॉक यानी जो अपना जो केबल रहेगा तो उसमें मल्टी कोर का एक केबल काम लेते हैं, इंडोर केबल बोलते हैं, वो 0.6 mm डाया का केबल रहता है। और वहां से जब आप डेटा लॉगर का जो डिजिटल डेटा मैंने जो बताया था टर्मिनेट जहां पर आपने किया है जिसको अपन डिजिटल टर्मिनेशन बोर्ड बोलते हैं DTB, वहां से आपका जो अंदर की तरफ जो पीछे कनेक्टर लगा है वहां पर जो डेटा जाता है वो FRC केबल के माध्यम से जाता है जिसको अपन फ्लैट रिबन केबल बोलते हैं। तो ये आपका इस तरह से रहेगा, रिले के ऊपर जो वायरिंग करोगे आपका ये मल्टी स्टैंड वायर रहेगा 0.2 16 स्टैंड का 0.2 mm, और ये आपके इंटरमीडिएट टैग ब्लॉक पे जाता है, ITB का मतलब होता है इंटरमीडिएट टैग ब्लॉक, और वहां से ये आपके DTB पे आएगा यानी आपका जो डेटा लॉगर का जो टैग ब्लॉक है यानी अंदर जो टर्मिनेशन बोर्ड बना रखा है जहां पर आप जाओगे तो ये आपकी इंडोर केबल होती है 64 या 40 जो भी हो अवेलेबल उसको अपन वहां पर लगाते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो डिजिटल डेटा को जो रीड करता है इस मेथड को बोलते हैं करंट लूप मेथड, इसको क्या बोलते हैं करंट लूप मेथड से ये इसको डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं करंट लूप मेथड के लिए करंट लूप मेथड में आपका ये इस तरह से लूप बनता है, रिले का कोई भी एक पोटेंशियल भी कॉन्टेक्ट अगर आप काम में लिया है तो यहाँ पर एक्चुअल में ये इंटरनल जो इसका जो स्विचिंग रहता है वो इस तरह से रहेगा, एक्चुअल में 24 वोल्ट की सप्लाई आती है और जब आपका ये रिले का कॉन्टेक्ट बनेगा जो भी आपने कॉन्टेक्ट काम में लिया पोटेंशियल भी कॉन्टेक्ट जब भी मेक होता है यहाँ पर करंट फ्लो होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस का सर्किट बना रखा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा एक एलईडी ग्लो करेगी और इस एलईडी द्वारा ये क्या करेगा BJT ऑपरेट होगा यानी जिसको बोलते हैं अपन ऑन होना या ट्रिगर होना। जैसे ये ट्रिगर होगा तो जो भी लॉजिक आपने बना रखा है लो या हाई उसके हिसाब से एक पल्स जनरेट होगी और वो आपके ट्रिगर करके CPU को बताएगी इसका स्टेटस क्या है। अगर ये ओपन होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा तो उस समय उसका ऑपोजिट स्टेटस वहां पे मिलेगा यानी रिले पिकअप है या ड्रॉप है उसको वो रीड करेगा। अब उसमें लॉजिक आपका हाई या लो जो भी बनाया गया है तो उस पे अपन को नहीं जाना, खाली यहाँ पर ये है कि करंट लूप मेथड पे काम करता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने देखा होगा लो या हाई लॉजिक कोई भी बना करके अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। और एनालॉग डेटा के लिए मैंने बताया था कि एक्चुअल में आपकी जो प्रोटेक्शन स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर आप लगाओगे यहाँ पर आपको खाली ये ध्यान देना है जो AC सप्लाई आती है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, उसके पहले आपको AC to DC कन्वर्टर जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कई काम में लिया जाएगा, वो आपको इस तरह का दिखाई देगा। AC to DC एक कन्वर्टर आता है, और जो भी ये रिले का जो स्टेटस होगा जो भी लो पिकअप या ड्रॉप वो सब एक पैकेट्स के रूप में माने जाएंगे लो या हाई हो, और उस दौरान जो लोड पे करंट जो रहेगा वो आपका 10 मिली एम्पियर का रहेगा। जो लूप करंट लूप मेथड बनेगा तो उस समय जो करंट फ्लो होगा वो आपका 10 मिली एम्पियर रेटिंग का करंट इसमें रहेगा। एनालॉग डेटा के अंदर मैंने आपको बताया था AC या DC जो भी वोल्टेज आप मॉनिटर कर सकते हो, और कार्ड इसमें दो तरह के बताए थे, एक आपका विद कंट्रोल और एक विदाउट कंट्रोल। तो विद कंट्रोल जो कार्ड रहेगा उसमें इस तरह की तीन एलईडी जलेगी, एक तो पावर की एलईडी रहेगी,
एक आपका टीएक्स और आरएक्स, यानी कम्युनिकेशन करता आपके प्रोसेसर को जो बताएगा डेटा, तो ये उस समय फ्लैशिंग करेगा। तो ग्रीन कलर की घड़ी इसका मतलब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, आरएक्स वाली येलो कलर की घड़ी इसका मतलब डेटा रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। येलो कलर की पावर की एलईडी रहेगी। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो प्रोटेक्शन स्ट्रिप के ऊपर जाओगे, तो मैंने आपको बताया था वहां पर एक आपका थ्रो करना रहता है, जो ऊपर टर्मिनल रहेगा जहां पर वागो टर्मिनल, जहां पर आप जो भी सप्लाई जिस चैनल पर मॉनिटर करना चाहते हो वहां पर आप इसको कनेक्ट करोगे। तो डीसी वोल्टेज तो सीधा कनेक्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका चैनल जो रिसीवर का आएगा वो भी सीधा कनेक्ट होगा, लेकिन एसी जो वोल्टेज आएगा 110 वोल्ट एसी या 230 वोल्ट एसी आप मॉनिटर करना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको एसी डीसी कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो इफ्टोनिक्स में का खुद का एक एसी डीसी कन्वर्टर आता है, वही इसमें यहाँ पर काम में लिया जाता है। ये आपको प्रोटेक्शन स्ट्रिप मैंने बताई थी, तो उसके ऊपर ये वागो टर्मिनल है जिसके ऊपर आप इसको टर्मिनेट करेंगे, और जो जिस नंबर पे टर्मिनेट करेंगे वो उसी नंबर पे आपको वो डेटा मिलेगा। और उसके आगे यहाँ पर आपको थ्रो करने के लिए एक लिंक दिया रहेगा जिसके आप ऊपर थ्रो कर दो। जैसे मान लो ये 24 वोल्ट लगा है, तो यहाँ पर 24 वोल्ट जिधर लिखा उसको आपको लिंक को थ्रो करना रहता है। इसका एसी डीसी कन्वर्टर का फोटो लगता है यहाँ पर नहीं है, तो किताब में ये आपको इस तरह का आपको एसी डीसी कन्वर्टर की एक अलग से यूनिट दिखाई देगी। तो उसमें आप जो भी एसी दोगे, जैसे 230 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, तो ये इसको डीसी में कन्वर्ट करके देगा, और उसके बाद आप उसको जो भी टर्मिनेशन है वहां पर आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी आपको मैंने एनालॉग का जो टर्मिनेशन बताया था वहां पर आप टर्मिनेट करोगे, और वहां से ये डेटा कहाँ जाता है, आपके एसीयू कार्ड को जाता है। इस कार्ड से कहाँ जाएगा, एसीयू कार्ड को जाएगा, और एसीयू कार्ड उसको इसका एक पूरा इंटरनल वर्किंग रहता है, और इसको ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, और इस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके इसको ये क्या करता है, सीरियल पोर्ट के माध्यम से सीपीयू कार्ड को देता है। तो सीरियल पोर्ट के द्वारा आपके डेटा कहाँ जाएंगे, सीपीयू कार्ड को जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका रहेगा। तो इसमें आपके जो कनेक्शंस है 96 इसमें आप मैक्सिमम कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पोर्ट्स बने रहेंगे, एड्रेसिंग भी रहती है आपके मदरबोर्ड में कौन से स्लॉट में कितने डेटा चलेंगे, ठीक है। तो ये जाकर के आप क्या करोगे, इस एनालॉग जैसे एक से लेके आपका 16 तक आ रहा, तो एक नंबर पोर्ट पे चला जाएगा, फिर दूसरा आपका दूसरे पोर्ट पे चला जाएगा, एनालॉग 2 3, इस तरह से यहाँ पर आप ये 6 पोर्ट रिजर्व्ड रहते हैं एनालॉग डेटा से कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पर ये जो है ऑप्टो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी अगर कहीं पे लाइटिंग या सर्च हो तो आपके इक्विपमेंट को डैमेज न करे। तो ये आपका हो गया एनालॉग। तो इसमें एसी जो आता है पहले उसको एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद आगे की जो सर्किट है वो जो फ्लो चार्ट है वो कॉमन रहेगा, यानी आपका जो डीसी वोल्टेज है उसको एक क्लिपर सर्किट के द्वारा उसको वो काटेगा, जो भी एक लेवल दे रखा है वोल्टेज लेवल पे लेके आएगा, वो वोल्टेज लेवल इसको पहले V2F कन्वर्टर में फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, फिर आपका एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर रहेगा, फिर ये मल्टीप्लेक्सर में जाके माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ये डेटा लॉगर में जाके स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद जो भी डिस्प्ले पे आप देखना चाहते हो वहां पर उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर डिफाइन करने के साथ आपको ये भी करना पड़ता है, जिस चैनल पर आप जो भी वोल्टेज टर्मिनेट करोगे उसके लिए एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे रखा है। एक्चुअल में ये जो रीडिंग कन्वर्ट करके आती है चेंज करके आता है, तो यहाँ पर ये स्विचिंग कराता है, और उस स्विचिंग का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देकर किस चैनल पर आप क्या स्विचिंग करा रहे हो, तो उसका एक जब इनिशियल में जब कॉन्फिग्रेशन करते हैं तब आप कौन से चैनल पर कौन सा वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हो जिसको आप मेजर करना चाहते हो, उसका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया रहता है, तो कॉन्फिग्रेशन के दौरान उसको इंसर्ट करना रहता है। जब वो डालोगे तो ही आपको
एक्चुअल वैल्यू वहां पर आपको डिस्प्ले पे या डेटा लॉगर में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपका इस तरह से इसमें रहेगा। प्रिंटर का मैंने बता ही दिया था, दो तरह के पोर्ट है, सीरियल पोर्ट का रहेगा तो सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट रहेगा और पैरेलल पोर्ट का रहेगा तो पैरेलल पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपका जो होता है वो मॉडेम होता है, तो इसके अंदर मैंने बताया था एक इंटरनल मॉडेम रहेगा। तो इंटरनल मॉडेम आपका यहाँ पर ये फ्लो चार्ट में जब जाओगे तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। और फिर आपका एक मेंटेनेंस पीसी रहेगा, ये भी आपके सीधा यहाँ पर सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट होगा, इसको डिबगिंग पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं। और इस लोकल पीसी में आवश्यक इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर डले हैं तो आप उस डेटा लॉगर को यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, अभी खाली है इसका यूज किया है। ठीक है, फिर आपका ये मॉडेम आता है, ये आपका इंटरनल मॉडेम कहलाएगा और ये डुअल मॉडेम होता है। इसमें आपके दो मॉडेम इंटरनली इनबिल्ट होते हैं, एक आपका आंसरिंग कहलाता है, एक आपका ORG कहलाता है। और जब इसको नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो रिंग टोपोलॉजी काम में ली जाती है, यानी बाईडायरेक्शनल कंडीशन में इसको कनेक्ट किया जाता है। उस समय ORG जो होता है वो अगले स्टेशन के आंसरिंग मोड पे कनेक्ट होता है और ये आंसरिंग जो होता है वो नेक्स्ट स्टेशन के ORG पे कनेक्ट होता है। इस तरह से इसकी एक रिंग बनती है और एक नेटवर्क में जो रिंग बनाते हैं उसमें मैक्सिमम 32 डेटा लॉगर अपन कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो आपके नंबर ऑफ पैकेट्स की संख्या बढ़ेगी तो कंजेशन ज्यादा होगा। तो उसके लिए क्या दिया है, नेटवर्क के अंदर जो अधिकतम डेटा लॉगर की संख्या है वो लिमिट कर दी गई है। एक नेटवर्क में अधिकतम 32 डेटा लॉगर को कनेक्ट कर सकते हैं, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन फील्ड में प्रैक्टिस के दौरान अपन 20 से 22 से ज्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर कभी मान लो किसी जगह पे बढ़े तो वहां पे पैकेट्स की संख्या ज्यादा होगी तो कंजेशन की वजह से पैकेट्स लॉस होने की वहां पर संभावना रहेगी। तो इसलिए नॉर्मली जो अपन प्रैक्टिस है वो 22 स्टेशन तक अपना, यानी 22 डेटा लॉगर तक एक नेटवर्क में रखते हैं। वैसे कैपेसिटी की बात करें तो 32 तक अपन आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं, इसलिए कम यूज करते हैं, मैक्सिमम को यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आपका एक इंटरनल मॉडेम रहेगा। और ये मॉडेम आपको किस तरह से दिखाई देगा, तो ये आपका 4 वायर मॉडेम कहलाता है। ये इंटरनल मॉडेम है, 4 वायर मॉडेम रहेगा और जब नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे तो एक एंड का जो आंसर है वो अगले एंड के ओरिजिनेटिंग पे कनेक्ट होगा। तो आपका जो कम्युनिकेशन है इसमें FS के टेक्निक काम में लिया गया है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, और ये आपका 4 वायर मॉडेम है। और इसको आप क्वेड केबल पे या OFC वॉइस चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों एंड पे जो मॉडेम है आपके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो आप क्वेड केबल यूज कर सकते हो या फिर OFC चैनल यूज कर सकते हो। तो उस समय आपकी डेटा लॉगर से मॉडेम की जो स्पीड है, यानी आपका जो डेटा लॉगर का जो CPU है और मॉडेम के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका 57.6 KBPS से हो रहा है। ठीक है, और मॉडेम से लाइन के बीच में जो डेटा ट्रांसफर की रेट है वो 14.4 KBPS की है। मॉडेम से आपकी जो लाइन की जो स्पीड है वो 14.4 KBPS है और डेटा लॉगर से जो मॉडेम में डेटा आ रहा है वो 57.6 KBPS रहती है। मॉडेम से जो डेटा लॉगर में जाएगा या डेटा लॉगर से मॉडेम जाएगा वो आपका 57.6 KBPS रहेगा। फिर आपके इस मॉडेम के ऊपर कुछ आपको इंडिकेशंस दिए गए हैं, दो मॉडेम है तो दो चैनल रहेगा आपका, एक आंसरिंग का रहेगा एक आपका ओरिजिनेटिंग का रहेगा, दोनों के मीनिंग सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये इंडिकेशन आपके एक्चुअल में मॉडेम की हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। एक्चुअल में इस मॉडेम में आपको रीसेट करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं आता अलग से, अभी नए जो मॉडेम आ रहे हैं उसके अंदर ये व्यवस्था आती है, पुराने मॉडेम में व्यवस्था नहीं आती थी। तो उसके लिए शुरू से ही पावर सप्लाई बंद करके इसको, अगर मान लो फॉल्ट कंडीशन में चला जाता था, हैंग होता था, तो पूरी पावर सप्लाई बंद करके अपन इसको चालू करते थे। नए में अगर ये मॉडेम हैंग होता है तो उसको रिसेट करने के लिए इसके फ्रंट में ही एक स्विच दिया आता है। इस पे जो इंडिकेशन दिए गए, इसमें CTS का मतलब होता है क्लियर टू सेंड, अगर मतलब यह है कि ये LED जल रही है मतलब डेटा सेंड करने के लिए तैयार है। फिर आपका CD आता है, डेटा कैरियर। तो CD का मैंने आपको कल बताया था जब एक्सेल काउंटर पढ़ाते समय कि एक्चुअल में CD मतलब कैरियर डेटा, यानी यह सुनिश्चित करता है कि आपका जो मॉडेम है वो प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं है।
तो जब भी वो कनेक्शन ओके होगा तो ही आपके पैकेट ट्रांसफर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो वो अगर प्रॉपर कनेक्टेड है यानी आंसरिंग प्रॉपर ओरिजिनेटिंग से कनेक्ट है तो ये एलईडी जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। फिर आपका टीडी और आईडी है, टीडी मतलब ट्रांसमिट डेटा, आईडी मतलब रिसीव डेटा, ये दोनों फ्लैशिंग करते हैं। टीडी का मतलब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव आईडी मतलब डेटा रिसीव हो रहा है। फिर आपका आता है ओएच, इसको ऑफ हुक बोलते हैं, ये आपके मॉडेम के हैंग होने की जानकारी देता है। नॉर्मली एलईडी आपकी जलती रहती है, अगर ये एलईडी जल रही है इसका मतलब आपका जो मॉडेम है पिकअप कंडीशन में है, लाइन के साथ कनेक्टेड है। अगर ये एलईडी बंद है इसका मतलब ये मॉडेम हैंग हो गया, तो इसको आपको रिसेट करना है। तो मैंने बताया था पुराने जो मॉडल लगे हैं वहां पर आप पावर सप्लाई बंद करके चालू करते थे और नए मॉडल में सामने बटन आता है। फिर आपका ए है मतलब आपका ऑटो आंसर मोड, तो एक्चुअल में इसमें गेन एडजस्ट ऑटोमेटिकली सेट करता है। तो जैसे पैकेट मिलता है, जैसे इसको सामने वाले एंड से पैकेट मिलता है, यहाँ तुम पैकेट भेजो, एक्चुअल में यहाँ टोकन रिंग सिस्टम काम करता है। तो जब भी पैकेट मांगता है तो सामने वाला एक टोकन भेजता है, जैसे उसको इश्यू होता है तो ये ट्रांसफर कर देता है ऑटोमेटिकली, यानी उसके लिए वेट नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं ऑटो आंसर मोड। आरटीएस मतलब रिक्वेस्ट टू सेंड, ये भी आपकी एलईडी ऑन रहेगी। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट टू सेंड यानी पैकेट भेजने के लिए अपना टोकन भेज रहा है, यानी वो भेजने के लिए तैयार है। तो ये एक्चुअल में सीटीएस और आरटीएस हमेशा चालू रहने चाहिए। और डीटीआर मतलब डेटा टर्मिनल रेडी, अगर ये एलईडी ऑन है तो इसका मतलब ये डेटा लॉगर डेटा ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये आपका एक मॉडेम हो गया। और इसको जब आप क्वेड केबल पे कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपको खाली दो चीजें देखनी है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस 500 वोल्ट के मेगर से जब आप चेक करोगे तो 10 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा आपका लूप रेजिस्टेंस 56 ओम पर किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 56 ओम पर किलोमीटर से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है डीबी लॉस के बारे में, तो मॉडेम की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर भी आपका जो डीबी लॉस है ओईएम टू ओईएम मैक करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैक के लिए अलग दिया गया है। जो डीबी लॉस है वो आपका 25 डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका जो डीबी लॉस दिया गया है वो है आपका 25 डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब 2 किलोहर्ट्ज का सिग्नल भेजते हो तो अगर वो 25 डीबी से ज्यादा लॉस है तो वो चैनल आपका या लिंक जो है वो ओके नहीं है। तो ये आपको इसमें चेक करना रहता है। ठीक है, तो ये आपका डेटा लॉगर हो गया, उसके बाद सॉरी मॉडेम हो गया। मॉडेम के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में एक नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी दिख रही है, यहां से ये डॉटेड लाइन है और ये यहां से ही आएगा नेटवर्क में। जब कनेक्ट करेंगे कैसे करेंगे आके देखते हैं, अभी खाली यहां पर है। जब आपका डेटा जब नेटवर्क प्लेस पे भेजोगे तो इसको अपन बोलते हैं फॉल्ट एनालिसिस सिस्टम, कंट्रोल रूम बोलते हैं या सिग्नल फॉल्ट कंट्रोल रूम बोल दो, फील्ड में जो भी प्रैक्टिस है, टेस्ट रूम बोल दो, फॉल्ट कंट्रोल रूम बोल दो। तो नेटवर्क में जब कनेक्ट करेंगे तो वहां पर आप डेटा भेजोगे, तो वहां पर जब भेजोगे तो एक अलग से इक्विपमेंट लगता है जिसको बोलते हैं फ्रंट एंड प्रोसेसर, FEP के नाम से जानते हैं। और उसके साथ एक PC कनेक्ट होता है जिसको बोलते हैं CMU, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट। और इसके साथ आपकी सेकेंडरी डिवाइस के रूप में एक आपका सर्वर रहता है जिसके अंदर आपके सारे डेटा स्टोर होते हैं। पहले आजकल हार्ड डिस्क में तो अलग से रखते हैं और अभी ये सर्वर अपन ने रेलनेट के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से सारे डेटा आपके रेलनेट के सर्वर पे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डेटा लॉगर का एक जनरल आइडिया हो गया इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अपन FEP और CMU के बारे में बाद में देखेंगे, अभी खाली यहाँ पर है डेटा लॉगर में होता क्या क्या था वो अपन ने बात की। अब इस पे अपन आते हैं, इसको चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी।
तो पावर सप्लाई आप 24 वोल्ट देंगे, तो उसके लिए दो मेथड अपने पास अवेलेबल है। अपन आईपीएस से भी दे सकते हैं, पहले इनिशियल में इसको आईपीएस पे देते थे, लेकिन आईपीएस में देने में ये दिक्कत है कि आईपीएस को आप इसमें मॉनिटर कर रहे हो और अगर वही फेल हो गया तो आपके डेटा यहाँ पर स्टोर नहीं होंगे। तो उसके लिए अभी नई बोर्ड की पॉलिसी आ गई है कि आईपीएस के साथ इसको कनेक्ट, आईपीएस से इसको सप्लाई नहीं देना है। तो उसके लिए आपको या तो अलग से सप्लाई देना है, तो उसके लिए क्या करते हैं 230 वोल्ट अपन अलग से देते हैं और इसके अंदर ही एक चार्जर लगा देते हैं। वो आपका 230 का चार्जर रहेगा जो 24 वोल्ट आउटपुट देगा और उसका खुद का सेपरेट बैटरी बैकअप रहेगा। और जहां पे भी आईपीएस काम में लिया गया है तो आईपीएस के अंदर 24-32 5 एम्पियर रेटिंग का जो मॉड्यूल आता है वो अपन काम में लेते हैं। अब वो जो रेटिंग का मॉड्यूल है वो आपके डिपेंड करेगा लोड कितना है। तो आपका यहाँ पर डेटा लॉगर का जो लोड है वो डिपेंड करता है डिजिटल डेटा कितने मॉनिटर कर रहा है। अगर आपके जो डिजिटल डेटा है जो मॉनिटर कर रहा है उसकी जो कैपेसिटी है 1024 इनपुट्स तक है, तो इस डेटा लॉगर का लोड 5 एम्पियर रहेगा। तो आपको उसके हिसाब से आपको मॉड्यूल डिजाइन करना है। अगर 1025 से 2048 तक है तो ये 10 एम्पियर का लोड लेगा, और 2049 से 4096 तक है तो ये 15 एम्पियर लोड रहेगा। उसके आधार पे अपन डीसी डीसी कन्वर्टर डिसाइड करेंगे कितने रेटिंग का वहां पर आपको लगाना है। और जहां पर कन्वेंशनल पावर सप्लाई है तो उसके लिए आपका अलग से चार्जर रहेगा, चार्जर जो आरडीएसओ द्वारा अप्रूव्ड जो चार्जर आते हैं जिसका आउटपुट में रिपल कम हो वो भी अपन लगा सकते हैं। और वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में खुद अपना एक डीसी डीसी चार्जर देता है तो अपन को डेटा लॉगर में उसी को यूज करना है। उसका जो इनपुट है वो आपका 230 वोल्ट रहेगा और आउटपुट में वो 24 वोल्ट देता है। ठीक है, इसका जो आउटपुट का जो जो है 24 का जो वेरिएशन है वो -30 से लेके +20 तक ये आराम से काम करता, मतलब अगर इतना फ्लक्चुएशन भी होगा तो भी डेटा लॉगर आपका आराम से काम करेगा। तो इसको जब आप इनपुट में 230 दोगे तो ये 230 बाहर से आ रही है, लोकल सप्लाई है, तो वहां से सर्ज या लाइटनिंग आकर के आपके इस इक्विपमेंट को खराब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं 230 के इनपुट के अंदर अपन सर्ज एसपीडी का अरेंजमेंट करते हैं, उसमें बी और सी टाइप का जो एसपीडी है वो अपन वहां पर लगाते हैं। ठीक है, और जब ये बी और सी टाइप का जब एसपीडी लगाएंगे तो उस समय जो भी लाइटनिंग है सर जाए वो ग्राउंड की तरफ चली जाए। तो उसके लिए ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए जो केबल काम में लेंगे वो आपकी कॉपर कंडक्टर रहेगी, 31 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं, 31 नंबर काम में लिया जाएगा। और ये मल्टी स्ट्रैंड केबल रहेगी जिसका जिसके अंदर आपके 64 स्ट्रैंड रहेंगे। कितने? 64 स्ट्रैंड काम में लेते हुए, मतलब इस तरह का जो केबल रहेगा मोटा वो आप इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे। कहां से? बैटरी चार्जर का जो अर्थ टर्मिनल है, बैटरी चार्जर जो आपने लगाया है उसका अर्थ टर्मिनल से जो वायर है वो आपके अर्थ पे जो जाएगा वो 64 स्टैंड का रहेगा, 31 SWG गेज का। ठीक है, और उस अर्थ की वैल्यू आपकी 2 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थ की वैल्यू जो है आपकी 2 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आप जब इंटरनल जब आप देखेंगे तो उसको भी आपको अर्थ से कनेक्ट करना रहेगा। इंटरनल जितने भी कार्ड्स आपने लगा रखे हैं, अगर मान लो उस इक्विपमेंट के ऊपर लाइटनिंग हो या कहीं और से आए, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन अलग अलग गेज के केबल काम में लेते हैं। तो आपका ये जो अंदर जो केबल रहेगा ग्रीन कलर का, जो आपके अंदर रैक जो है आपका अंदर का जो कैबिनेट है उसमें यूरो रैक से लेके आप बॉडी से जिनको करोगे तो वो आपका 10 स्क्वायर mm का मल्टी स्टैंड कॉपर केबल रहेगा, जिसके द्वारा अपन डेटा लॉगर यूरो रैक से अपन मेन फ्रेम पे, मेन फ्रेम से अंदर जितने भी आपके जो बन रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए जो वायर काम में लेंगे वो 10 स्क्वायर mm का काम में लेंगे। अब आपका यहां पर ये आता है कि आपका जो बैटरी जो है चार्जर से जो बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए। तो बैटरी चार्जर से जो आउटपुट निकलेगा और डेटा लॉगर को जो आप लोड पे दोगे वो 28 स्टैंड का 31 SWG का कॉपर कंडक्टर रहेगा, और बैटरी चार्जर के लिए बैटरी को जो लगेगा वो भी सेम रेटिंग का कंडक्टर ही काम में लेंगे, 28 स्टैंड का 31 SWG का गेज का अपन केबल काम में लेंगे। और बैटरी टू बैटरी जो कनेक्टिविटी रहेगी, इंटरनल बैटरी की जो वायरिंग है यानी बैटरी के जो टर्मिनल आप कनेक्ट करोगे 12 वोल्ट के, एक्चुअली इसमें दो लगाते हैं तो उसकी जो सीरीज बनाते हैं, तो उसके लिए 64 स्टैंड का 31 SWG का कॉपर कंडक्टर अपन काम में लेंगे। और जहां पे पावर सप्लाई रिलायबल नहीं है तो उसके लिए वहां पर यूपीएस भी लगाएंगे, तो वो उसका जो बैकअप टाइम रहेगा वो 6 घंटे का अपन मिनिमम डिजाइन करते हैं। जहां पर पावर सप्लाई आपकी बार बार फ्लक्चुएट होती है वहां पर अपन यूपीएस लगाएंगे,
तो यूपीएस का जो बैकअप रहेगा वो आपका 6 ओवर्स का डिजाइन किया हुआ रहेगा। तो ये आपका पावर सप्लाई हो गया। फिर इनपुट से मैंने आपको बताया था डिजिटल इनपुट है, तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो आपके फील्ड के इनपुट है, आपके पैनल के इनपुट है, एक आपके इंटरनल है। फील्ड यानी फील्ड से जो आता है, फील्ड से क्या आता है, NWKR, RWKR, HECR, ये सब आपके फील्ड से आते हैं। क्रैंक हैंडल है, साइडिंग स्लॉट है, गेट के स्लॉट है, ये सारे आपके फील्ड से आते हैं। पैनल से क्या आते हैं, जितने भी बटन कमांड है, SMG, वो सब आपके पैनल से आते हैं। इंटरनल क्या हो गया, जो अंदर रिले रूम में बने होते हैं, जो आपके इंटरलॉकिंग की शर्तों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मेटल टू कार्बन में आप बात करोगे तो UCR, ASR, LR, UIR, TLSR, TRSR, ये डायरेक्शन के लिए TSR, फिर टाइमर के लिए JSLR, HRDR, ये सारी जो होती है आपकी इंटरनल रिले होती है। तो मेटल टू कार्बन में ये अलग प्रैक्टिस नाम चलता है, मेटल टू मेटल में अंदर अलग चलता है। ये सारी आपकी इंटरनल रिले कहलाती है और ये सब आपके डिजिटल इनपुट है जिनको आप डेटा लॉगर की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। एनालॉग के अंदर आप क्या क्या मॉनिटर कर सकते हो, 230 लोकल को आप मॉनिटर कर सकते हो, 110 एसी को मॉनिटर कर सकते हो, 110 डीसी कर सकते हो, 60 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी, 24 डीसी, ये आपके अलग अलग है, इंटरनल के अलग, एक्सटर्नल काउंटर के लिए अलग। फिर आपका 12 वोल्ट डीसी इंडिकेशन है, 24 वोल्ट का है, दोनों का आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। और आप पॉइंट ऑपरेशन की जो सप्लाई है तो उसको भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके एनालॉग डेटा होंगे। फिर आपके आते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज करेंगे। तो आपका जो मेंटेनेंस पीसी है जिसके अंदर मैंने बताया था इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर अगर लगा है, अगर डला हुआ है, तो ये आप उसको इंटरफेस कर पाएंगे, यानी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में डेटा एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे आपने मेंटेनेंस पीसी कनेक्ट किया डेटा लॉगर के साथ, तो आप अब उसके डेटा को तो अपने हार्ड डिस्क पे लिया है, लेकिन आप उसको यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो उसको इंटरफेस करने के लिए उसके अंदर आवश्यक सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसमें एक आता है आपका NMDL, जिसको अपन फील्ड में NMDL के नाम से जानते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट डेटा लॉगर सॉफ्टवेयर। ये नेटवर्क मैनेजमेंट डेटा लॉगर सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक्चुअल में आपके डेटा लॉगर के डेटा को आपकी हार्ड डिस्क पे लाता है, और दूसरा आपके डेटा लॉगर को कॉन्फिगर करने में मदद करता है। कॉन्फिगरेशन जो अपन करते हैं, आईडी डिफाइन करेंगे या जो भी है नेटवर्क में, जो भी आईडी आप दोगे वो सब आप इस NMDL सॉफ्टवेयर में करते हैं। फिर आपका जो एनालॉग चैनल पे जो वोल्टेज करोगे, तो उसको जो आप मैंने बताया था एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो डिफाइन करना होता है, वो भी आप NMDL सॉफ्टवेयर में जाके ही करते हैं, ठीक है। तो NMDL सॉफ्टवेयर एक्चुअल में इंटरफेसिंग का काम करता है, या मोटे तौर पे अपन बात करते हैं वैसे ही काम करता है जैसे आप अपना कंप्यूटर काम में लेते हो या मोबाइल काम में लेते हो। तो वहां पर एक पहले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो उसमें कंप्यूटर में विंडो के नाम से जानते हैं, मोबाइल में एंड्रॉइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब आप मोबाइल ऑन करते हो या कंप्यूटर ऑन करते हो, तो आपको अगर वर्ड की फाइल या कोई गाना सुनना है तो आप उसमें नहीं सुन सकते, उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सेम यहाँ पे भी रहेगा, NMDL का काम है खाली इंटरफेसिंग करना, वहां से डेटा को उपलब्ध करा के आपके पीसी पे ले आना और कॉन्फ़िगरेशन में मदद करना। लेकिन अब आप रिपोर्ट देखना चाहते हो या कुछ और काम करना चाहते हो, तो आप उसमें NMDL में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें जो अगला सॉफ्टवेयर आता है उसको अपन बोलते हैं रिपोर्ट सॉफ्टवेयर, और एक आता है आपका फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर, एक आता है आपका ट्रैक ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जिसको फील्ड में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, और ये आपका NMDL हो गया। तो जहां पर आपका इंटरबेस टाइप का लगा हुआ है, यानी रेलनेट से कनेक्टेड नहीं है, और अगर आपका इंटरबेस ही ओरेकल वर्जन नहीं है, तो वहां पर आपका ये NMDL आपके कंप्यूटर में पीसी में होना चाहिए, तो आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। और जहां पर रेलनेट है, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, रेलनेट से डेटा लेते हैं, तो उस समय आपके NMDL की उस पीसी में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब आप डेटा क्या कर रहे हो, सर्वर से ले रहे हो, उसके लिए आपको ओरेकल वर्जन रहेगा। ओरेकल वर्जन में क्या करता है, रिपोर्ट और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का, वो अपनी आईपी आईडी के आधार पे वो सर्वर से डेटा को उठाता है। और अगर आप डायरेक्ट डेटा लॉगर से लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में NMDL की जरूरत पड़ेगी, और उस समय जिससे वो कनेक्टेड है उस डेटा लॉगर के डेटा को आप वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद आपका ये आएगा रिपोर्ट सॉफ्टवेयर। रिपोर्ट सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो डेटा आपने यहाँ पर कलेक्ट किया हार्ड डिस्क पे लेके आ गए, अब आप उसको रिपोर्ट के रूप में देखना चाहते हो, यानी आप एक टेक्स्ट के रूप में देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको अपन रिपोर्ट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आप इस रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑन ओपन करोगे, तो यहाँ पर एक्चुअल में एक स्क्रीन खुलती है, उसमें वो मांगेगा, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है, एनालॉग चाहिए, डिजिटल चाहिए, और जब आप वो एनालॉग या डिजिटल फाइनल करोगे, यहाँ पर ये टेबल जो है टेबल के फॉर्म में खुलेगा, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पर चैनल का नाम रहेगा, 110 वोल्ट है, और उसकी वास्तविक वैल्यू क्या है, 135 वोल्ट, और टाइमिंग क्या है, तो वो सारी आपको टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देगा, इसको अपन बोलते हैं रिपोर्ट सॉफ्टवेयर। फिर आपका आता है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसी डेटा को जो आपने पहले टेक्स्ट फॉर्म में देखा है, उसी को ग्राफिकल फॉर्म में आपको उपलब्ध करवाता है, यानी यहाँ पर आप डेटा ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आपको एक सुविधा और देता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन।
यानी आप ऑनलाइन डेटा भी देख सकते हो, ऑफलाइन डेटा भी देख सकते हो। ऑनलाइन में लाइव जो डेटा आपका यार्ड से आ रहा है वो आप वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो, और ऑफलाइन में जो सिलेक्टेड पीरियड है उसका डेटा आप ऑब्जर्व सॉरी। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर होता है फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर। फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर का जो पर्पज होता है वो फॉल्ट डिफाइन करने के लिए होता है। भाई एक्चुअल में आपने क्या किया, डेटा तो स्टोर कर लिए, डेटा में आपको क्या मिला, एक्चुअल में वोल्ट जैसे मान लो रिले है, पर्टिकुलर पिकअप है, ड्रॉप है, ड्रॉप है, पिकअप है, वो डेटा आ गया। या चैनल की बात करें तो जैसे 110 वोल्ट था मान लो ऑब्जर्व कर रहे थे, उसकी रीडिंग आ गई 99 वोल्ट है, 101 वोल्ट है, 107 वोल्ट है, 108 वोल्ट। लेकिन अब आप चाहते हो अलार्म जनरेट करना, उसके लिए आप एक लॉजिक बनाओगे। लॉजिक बनाकर आप डिफाइन करोगे भी किस समय वो अलार्म जनरेट होना चाहिए या कब मैसेज मिलना चाहिए या फॉल्ट का आपको जो सूचना मिलनी चाहिए, तो वो जो डिफाइन करते हैं वो अपन फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर में कंपनी ने ऑलरेडी 200-250 लॉजिक बना रखे हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, उसमें सुविधा है सॉफ्टवेयर में। लेकिन कंपनी के द्वारा जो इनबिल्ट है वो 200-250 लॉजिक ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन अपनी रेलवे के द्वारा जो 97 लॉजिक है वो अभी अप्रूव किए गए हैं, जिसी को अपन एक्सेप्शनल रिपोर्ट के रूप में देखते हैं। जो अपन को अलार्म मिलते हैं या जो भी सेक्शन में काम करता है टेक्नीशियन या सुपरवाइजर, तो उसको जो भी सूचना जिस भी माध्यम से मिलती है, जो डिपेंड करेगा वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, कहीं कहीं पर जो है वो एडवांस वर्जन लगाकर SMS के द्वारा मिल जाती है, और कहीं कहीं पे क्या करते हैं टेस्ट रूम खुद फोन करके आपको बताता है। तो वो जो लॉजिक के माध्यम से जो आप सूचना जनरेट कर रहे हो, तो आप जैसे पता करोगे ना कि जैसे मेरा वोल्टेज है मान लो 110 वोल्ट, तो आप ट्रिगर दोगे उसको कि इसका रेंज क्या होना चाहिए। तो 90 से मान लो एज्यूम करो कि 90 से नीचे जैसे जाए तो आपको सूचना मिले, या 112 से ऊपर जाए तब सूचना मिले, तो आप ट्रिगर वोल्टेज डिफाइन करोगे। तो रेंज कर दिया आपने डिफाइन, तो ये आप फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर में जाके डिफाइन करते हो भाई इससे नीचे जाए या इससे ऊपर जाए। नीचे जाए तो अंडर वोल्टेज का मैसेज मिले, ऊपर जाए तो ओवर वोल्टेज का मैसेज मिले। या चार्जर की बात है तो बंद हो गया तो डिफेक्टिव का मेरे को मैसेज मिले। रिले चैटरिंग है या रिले बॉबिंग है, इस तरह की आपको जो सूचना मिले, पॉइंट बॉबिंग हो गया या स्पीड का केस हो गया, गाड़ी में दिया सिग्नल नहीं था और वो गाड़ी डेंजर में पास कर गई, तो उसकी जो सूचना मिलती है स्पीड के रूप में मिलती है, सिग्नल पास है डेंजर। तो ये जो सारे लॉजिक बनाए जाते हैं वो आपके फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं। तो लॉजिक ऑलरेडी बने होते हैं, अपन को क्या करना पड़ता है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी SIP और यार्ड में जो भी नंबरिंग दे रखा है और जो लॉजिक आप जिस रिले या लॉजिक से चाहते हो उससे जनरेट होकर मिले, उसको अपन को वहां पे डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए आपको जो बेसिक इनपुट की जरूरत रहती है, तो आपके पास एक तो डेटा लॉगर का जो वैलिडेशन रिपोर्ट है या डेटा लॉगर की कॉन्टैक्ट एनालिसिस सीट आपके पास होनी चाहिए, वैलिडेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, फ्रंट बैक कौन सा कॉन्टैक्ट काम में लिया गया है, और उसके बाद आपके पास एक SIP होना चाहिए, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, फिर आपका एक यार्ड डायग्राम होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर बैठ के इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए जिसका यूज अपन यहाँ पर करते हैं। फिर आपके यहाँ पर ये जो रिपोर्ट जनरेट करेगा जिसको अपन एक्सेप्शन रिपोर्ट के रूप में जानते हैं, और इसका प्रयोग अपन मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में करते हैं, तो इसमें क्या क्या सूचना मिलती है, तो फील्ड में जब आप काम करोगे तो आपको आएगा भाई बैटरी का वोल्टेज लो है, बैटरी का वोल्टेज ओ ज़्यादा है, चार्जर डिफेक्टिव है, अंडर व्हील फ्लैशिंग यानी गाड़ी जब गाड़ी उसके ऊपर पास हो रही है तो पैकिंग आपकी लूज है, सिग्नल लैंप फेलियर है, ब्लैंकिंग ऑफ सिग्नल है, रूट सेक्शन नॉट रिलीज, पॉइंट फेलियर का मैसेज है, ट्रैक फेलियर का है, फ्यूज ब्लॉन ऑफ का है, टाइमर प्रॉपर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, स्लगिश ऑपरेशन है पॉइंट ऑपरेशन का। तो इस तरह की जो सूचना है वो आपके एक्सेप्शनल रिपोर्ट के रूप में जनरेट होती है, और ये लॉजिक बनाए जाते हैं आपके फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हैं, तो मैंने बताया था 97 की अभी लॉजिक की लिस्ट है अपने यहाँ वेस्टर्न रेलवे द्वारा अप्रूव, और वही लॉजिक या जो मैसेज है वो आपको फील्ड में वर्किंग के दौरान मिलते हैं, और इसका प्रयोग अपन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए करते हैं, जिससे क्या फ्यूचर में होने वाले फेलियर को अपन टाल सकते। और आपका जो CME होता है यानी जो मेन कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर एडिशनल कुछ और एक्स्ट्रा रिपोर्ट भी मिलती है, तो वो आपके उसमें दी रहती है, जैसे आपका इमरजेंसी कैंसिलेशन हुआ है, पैनल फेलियर ड्यू टू पावर फेलियर के कारण हुआ, तो ये सारे ये भी आपके एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, लेकिन ये आपके लोकल डेटा लॉगर पे जनरेट नहीं होती, ये आपके मेन जो CME होता है सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट यानी जो भी आपने टेस्ट रूम या कंट्रोल रूम बना रखा है वहाँ पर ये एडिशनल उसके अलावा ये रिपोर्ट भी वहाँ पर जनरेट होती है। ठीक है, तो ये आपके लॉजिक्स हो गए। अब ये आपके जो फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर में कौन कौन से लॉजिक होते हैं, तो ये यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए कुछ लिस्ट बुक्स में दे रखा है, 29 की इसमें लिस्ट है, तो थोड़ा सा समझने के लिए समझ लेते हैं लॉजिक बनाते कैसे है। तो सबसे छोटा एग्जांपल सिंपल है ट्रैक बॉबिंग का। ट्रैक बॉबिंग का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन आप लोगों ने जैसे ट्रैक सर्किट पढ़ा होगा
तो टीपीआर आपकी पिकअप होती है, यानी वो क्या बताता है, क्लोज ट्रेड सर्किट होना चाहिए, टीपीआर पिकअप है, इसका मतलब वो ट्रेड सेक्शन आपका खाली है, नॉर्मल स्टेटस है। लेकिन क्या हुआ, ये ड्रॉप होकर के वापस पिकअप हो गई कुछ समय में, तो अब आप उसको रिकॉर्ड करना चाहोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या इनपुट चाहिए। तो इनपुट में एक तो आपको उस रिले की करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स में भी उसका ऑपरेशन टाइम क्या है। ऑपरेशन टाइम का मतलब हो गया कि वो रिले पिकअप से ड्रॉप होने में कितना टाइम ले रही है, ड्रॉप से वापस पिकअप होने में कितना टाइम ले, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रैक रिले रहती है तो टीपीआर के द्वारा अपन ऑब्जर्व करेंगे, तो टीपीआर अप से डाउन होके अप होना, तो अगर वो जो टाइम का जो जोड़ आ रहा है, तो यहाँ पर लॉजिक बनाते समय जो काम में लिया है 50 मिली सेकेंड से 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन काम में लिया है, और रिले अप से डाउन होके अप होना ये एक काउंट कहलाता है। कब, जब 50 मिली सेकेंड से 1 सेकेंड के अंदर ये रिले अप से डाउन हुई और वापस अप हो गई, तो ये आपका एक काउंट कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे, एक काउंट। अगर इसी तरह के 2 से 3 काउंट आपके 10 सेकेंड में जनरेट हो रहे हैं, भाई ऐसा नहीं हर एक बार मैसेज आते रहेंगे, अपन लॉजिक में डिफाइन करते हैं कि सूचना कब मिले, तो यहाँ पर ये क्या रेफरेंस दिया, 10 सेकेंड के अंदर अगर मेरे को 2 से 3 काउंट अगर आ रहे हैं, तब आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा कि आपका पर्टिकुलर ट्रैक जो है वो बॉब हुआ है। इसी तरह के बाकी लॉजिक भी इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया थे ये तो प्री अप्रूव्ड लॉजिक है जो ऑलरेडी इनबिल्ट है, आप अपनी तरफ से भी कोई नया लॉजिक डिफाइन करना चाहते हो तो उस सॉफ्टवेयर में ये सुविधा है, तो लॉजिक अपना बना करके भी डाल के अपन अपना अलार्म भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ये रहेगा। ऑपरेशन अपन थोड़ा बाद में देखेंगे कैसे ऑपरेशन करेंगे। अब आपकी यहां पर ये जो पैकेट्स बनाता, मैंने बताया ना डिजिटल डेटा पैकेट्स के रूप में जाएगा, तो आपका एक पैकेट्स बनता है एक स्टेटस से, जैसे मान लो रिले पिकअप है, पिकअप से ड्रॉप हुई तो आपका एक पैकेट बना, ड्रॉप से वापस पिकअप हुई वो एक पैकेट बना, ठीक है। तो इस एक पैकेट के अंदर आपके 12 बाइट्स होते हैं, एक पैकेट में क्या रहेंगे, 12 बाइट्स रहेंगे, और एनालॉग डेटा का जो बनेगा वो प्लस माइनस 5% का वेरिएशन जब आएगा तो उसका एक पैकेट्स बनाएगा, ये भी आपका 12 बाइट्स का रहेगा, एक पैकेट कहलाएगा, ठीक है। और आपकी मेमोरी में जो पैकेट्स स्टोर होंगे उसकी जो कैपेसिटी मैंने बताई थी 10 लाख पैकेट्स की रहेगी, मेन मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो आपके 10 लाख रहेंगे। और एक आपका जब ट्रांसमिट करते हो पैकेट्स, तो वो एक्चुअल में पहले बफर में जाते हैं और बफर से आपके लाइन पे जाते हैं, तो बफर की जो खुद की मेमोरी है उसके अंदर 128 पैकेट्स होता है। कम्युनिकेशन जब आप करोगे तो एक डेटा लॉगर से दूसरे डेटा लॉगर जाते हैं, तो वहां पर एक बफर स्टेज बनती है, मतलब एक लेवल बना रखा है कि आपके मेमोरी से डेटा उठा के पहले बफर में डालता है और बफर उठा करके आपके लाइन पर भेजता है। उस बफर के अंदर जो पैकेट्स की जो कैपेसिटी होती है 128 पैकेट्स की होती है। तो ये आपका हो गया। और यहां पर आप एक और चीज देखेंगे, प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड। तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड का यूज अपन वहां करते हैं जहां पर अपन ईआई या एसएसआई के डेटा को भी डेटा लॉगर में ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में ईआई और एसएसआई जो है उसका खुद का एक प्रोसेसर होता है, वो अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, यानी उसका जो लैंग्वेज बोल दो या प्रोटोकॉल बोल दो अलग होता है जिसके ऊपर आप डिजाइन करते हो। और ईआई जब अपन पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे उसका खुद का इनबिल्ट डेटा लॉगर भी होता है, जिसके अंदर वो अपने सारे डेटा को ऑब्जर्व करता है और अपने पास स्टोर करके रखता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तब वो डेटा को उपलब्ध करवाता है, लेकिन उसकी टोपोलॉजी अलग है और वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बात करूँ, अनसाल्डो में अपन बात करेंगे तो वहां पर वो जो रिले का जो स्टेटस होता है वो सेट और क्लियर के नाम पे स्टोर करता है। तो अभी अपन रिले का पोजीशन किस नाम से जानते हैं, फील्ड में जैसे आप काम करने गए होंगे पिकअप और ड्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ईआई का या एसएसआई का जो डेटा होता है वो अपन डेटा लॉगर में ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको इंटरफेस करने के लिए बीच में एक अलग से कार्ड लगाया जाता है, ये एक्चुअल में दूभाषी की तरह काम करता है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझे, जैसे रशिया चले गए तो रशिया आपको नहीं आती रशियन लैंग्वेज, तो आप क्या करते हो दूभाषी का यूज करते हो, तो वो क्या करता है दूभाषी आपकी लैंग्वेज को रशियन में कन्वर्ट करके सामने वाले को बताएगा, रशियन वाले की कन्वर्ट करके आपको बताएगा। तो सेम प्रोटोकॉल कन्वर्टर यहाँ पर काम करता है, जो आपके ईआई के जो डेटा है उसको डेटा लॉगर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डेटा लॉगर को बताता है, और डेटा लॉगर जो भी सूचना मांगता है ईआई के द्वारा कि भाई मेरे को ये चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करके ईआई को बताता है भाई ये चीज मेरे को चाहिए,
ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड। इस प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड की भी जो डेटा मॉनिटर करने की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी 4096 इनपुट की होती है। ये 4096 ईआई के डेटा को मॉनिटर कर सकता है, इससे अगर ज्यादा है तो आपको दूसरा कार्ड यूज करना रहेगा। इसके ऊपर भी आपके सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए रहेंगे, दो पोर्ट रहते हैं, RS-232 प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है, करंट लूप मेथड ही काम में लिया गया इसमें भी। और इसकी खुद की सेपरेट प्रोसेसर रैम रोम होती है, और इसका खुद का एक इंटरनल रियल टाइम क्लॉक होता है, और बैटरी बैकअप के साथ आता है, जो डेटा जो भी आएगा वो अपने उसी टाइम के साथ आपको उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड हो गया। फिर आपका एक आता है RTU, जिसको बोलते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट, या बोलते हैं मिनी डेटा लॉगर। मिनी डेटा लॉगर का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर ब्लॉक सेक्शन के अंदर कोई लेवल क्रॉसिंग गेट आ रहा है। ब्लॉक सेक्शन के अंदर क्या आ रहा है आपका, लेवल क्रॉसिंग गेट आ रहा है, या फिर आपका कोई IBH है या ऑटो हट है, तो आप उसके डेटा को ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो वहां पर नंबर ऑफ रिलीज कम होती है और एनालॉग भी चैनल कम होते हैं, तो वहां पर पूरा डेटा लॉगर नहीं लगाया जाता। वहां पर जो लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं मिनी डेटा लॉगर। फील्ड में बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं अपन मिनी डेटा लॉगर, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम होता है RTU, जिसको बोलते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो RTU का जो प्रयोग है वो अपन लेवल क्रॉसिंग गेट, जो इंडिपेंडेंट लेवल क्रॉसिंग गेट बने होते हैं ब्लॉक सेक्शन के बीच में, उसके डेटा को ऑब्जर्व करना है, या IBH है या ऑटो सिग्नलिंग के हट है, तो उसके डेटा को ऑब्जर्व करना है, तो वहां पर अपन RTU का यूज करते हैं, रिमोट टर्मिनल यूनिट, इसको अपन मिनी डेटा लॉगर के नाम से जानते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। यहाँ पर जो डिजिटल इनपुट कार्ड लगे हैं वो आपके अधिकतम 64 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकता है, और एनालॉग डेटा के रूप में अधिकतम 16 एनालॉग डेटा को मॉनिटर कर सकता है आपका जो RTU होता है इसके द्वारा। एक्चुअल में इसमें भी CPU तो सेम वैसे ही रहेगा जैसा आपका डेटा लॉगर में लगा है। अब उस CPU को डिजिटल डेटा रीड करना, तो उसके लिए डिजिटल इनपुट कार्ड लगाया जाएगा, उसकी कैपेसिटी 64 होती है। और एनालॉग डेटा के लिए यहाँ पर एक दो कार्ड विदाउट कंट्रोल और विद कंट्रोल का एक पेयर ESU कार्ड लगेगा, जिसकी कैपेसिटी 16 एनालॉग डेटा की। स्कैनिंग टाइम वही रहेगा, डिजिटल डेटा के लिए 16 मिलीसेकंड, एनालॉग डेटा के लिए लेस देन 1 सेकंड। इसकी जो कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की वो कम होती है, 100,000 इवेंट्स को ये स्टोर कर सकता है। इसमें दो सीरियल पोर्ट नेटवर्किंग के लिए होता है, इसमें प्रिंटर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, और मिनी डेटा लॉगर या RTU है वो नेटवर्क में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, ये एडजॉइनिंग स्टेशन से जुड़े हुए डेटा लॉगर पे जाके कनेक्ट होती है। तो मैंने सुबह जो सीरियल पोर्ट बताए थे तो उसमें RTU1 RTU2 लिखा था, इस तरह से वो कनेक्ट होती है। तो ये एक्चुअल में इसमें प्रिंटर डायरेक्ट कनेक्ट करने की सुविधा नहीं होती है, इसमें दो सीरियल पोर्ट लगे होते हैं, नेटवर्किंग के लिए इसको यूज करते हैं, और यह नेटवर्क में सीधे डेटा नहीं भेजती। ये क्या करती है, एडजॉइनिंग स्टेशन जो रहेगा उसके स्टेशन पे ये कनेक्ट रहेगी। तो आपका ये जो RTU की यूनिट है आपको इस तरह से दिखेगी। इसमें आपका एक इंटरनल मॉडेम रहेगा, डुअल मॉडेम सेम हुई। फिर आपका एक CPU कार्ड है, इसके ऊपर आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए, और ये आपका LED बॉक्स है जिसके ऊपर आप डिजिटल डेटा देख सकते हो। फिर आपका एक डिजिटल इनपुट कार्ड रहेगा, और दो आपके ये एनालॉग स्कैनर कार्ड रहेगा। एक्चुअली ये पूरा कंबाइंड ESU कार्ड कहलाता है, जिसमें एक विद कंट्रोल और एक विदाउट कंट्रोल है। ठीक है, इस तरह की जो यूनिट लगती है इसको अपन बोलते हैं मिनी डेटा लॉगर। और ये मिनी डेटा लॉगर को जो अपन नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे अभी आगे आएगा, तो ये जैसे आपका डेटा लॉगर का नेटवर्क है, तो आपके जो भी दो ब्लॉक खंड के स्टेशन के बीच में जो लगे हैं तो उनको क्या करते हैं अपन दोनों एंड के स्टेशनों पे कनेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में ये रिंग टोपोलॉजी बनाने के लिए करते हैं। मान लो अगर यहाँ केबल टूट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो भी आपका डेटा दूसरे पास से वहां पे जाता है। तो इस तरह से कितने भी नंबर ऑफ RTU दो ब्लॉक खंड स्टेशन के बीच में लगे तो दोनों एंड पर इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन सेंट्रल प्लेस पे डेटा कैसे मॉनिटर करेंगे। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, तो मैंने आपको बताया था एक आपका होता है FEP फ्रंट एंड प्रोसेसर, एक आपका होता है CMU सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, और वहां पर डेटा भेजने के लिए आपका कम्युनिकेशन लिंक रहेगा। और डेटा ज्यादा दूरी पे भेज रहे हो तो आप मॉडेम का यूज करोगे, तो आपका डेटा लॉगर के साथ और RTU के साथ इनबिल्ट डेटा मॉडेम आता है, जिसको अपन इंटरनल मॉडेम बोलते हैं। और फ्रंट एंड प्रोसेसर पे इंटरनल मॉडेम तो रहते ही हैं, लेकिन अगर वहां पर कुछ और पोर्ट पे आपको अलग से मॉडेम की जरूरत पड़ती है तो वहां पर अपन एक्सटर्नल मॉडेम का यूज करते हैं। और एक आपका क्या रहेगा, हर एक स्टेशन पे आपके डेटा लॉगर या मिनी डेटा लॉगर होने चाहिए, जिसको आप नेटवर्क में या रिमोट स्टेशन पे या सेंट्रल प्लेस पे जहां मॉनिटर करना चाहते हो। ठीक है,
तो सबसे पहले आपका डेटा लॉगर हो गया। तो डेटा लॉगर को आप नेटवर्क में कनेक्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए दो टोपोलॉजी काम में ली जाती है, दो क्या सॉरी तीन। एक आता है आपका यूनिडायरेक्शन, नेटवर्क में जब आप डेटा लॉगर कनेक्ट करोगे तो एक आती है आपकी यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है आपके डेटा एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड। ये आपका सेंट्रल प्लेस हो गया, फॉल्ट एनालिसिस सिस्टम जहां लगा है, और आपके वे साइड के डेटा लॉगर हो गए एक ही डायरेक्शन। इसमें ड्रॉपबैक क्या, मान लो यहाँ पर केबल डिसकनेक्ट हो गया तो पीछे का डेटा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये वाली यूनिडायरेक्शनल टोपोलॉजी काम में नहीं लेते, ये ब्रांच में वही काम में लेते जो छोटा सेक्शन और एक ही डेटा लॉगर लगा है, तो वहां से वही डेटा घूम के आ रहा है, तो वहां पर अपन इसको काम में लेते हैं। दूसरा आपका आता है बाई डायरेक्शन। तो बाई डायरेक्शन में क्या होता है, अपन दोनों तरफ से कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी आपको ये मैंने यूनिडायरेक्शन का बताया था, इसमें क्या करते हैं, दूसरा पाथ और दे देते हैं, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शन। तो इसमें जब कनेक्ट करेंगे तो वही मैंने बताया था, एक एंड का आंसरिंग, दूसरे एंड की ओरिजिनेटिंग, इस तरह से ये रिंग बनेगी और एक नेटवर्क में अधिकतम 32 डेटा लॉगर को अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शन। तो बाई डायरेक्शन क्या होता है, दोनों पास से डेटा चल के जाते हैं सेंट्रल प्लेस पे, और वहां पर डुप्लीकेट पैकेट को स्टोर नहीं करता, जो पहले पैकेट पहुंच गया और डुप्लीकेट बाद में आता है उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शन। फिर एक आपका था टी नेटवर्क, इसको ट्राई डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आपका जो भी लिंक बनता है उसमें सेंटर से एक और पाथ दे देते हैं, इसको बोलते हैं टी सेम। तो टी नेटवर्क ये क्या करते हैं, एक्चुअल में आपके पैकेट्स की जब संख्या बढ़ती है नेटवर्क में तो कंजेक्शन की वजह से वो डेटा लॉस ना हो, तो बीच में एक तीसरा पाथ और दे देते हैं, इसको बोलते हैं टी नेटवर्क। तो ये टी नेटवर्क कैसे देंगे, तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर में थोड़ा सा दिखा दूं। ये तो आपकी रिंग टोपोलॉजी बन गई, यानी यहाँ पर आपका एक डेटा लॉगर है, दूसरा ये 65, 66, ये 67, इसकी आईडी दी है मैंने आपको शुरू में बताया था, डेटा लॉगर की आईडी जो स्टार्ट होगी वो 65 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डेटा लॉगर रिंग में लगा रखा है, यानी एक एंड का जो है आंसरिंग, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी मीडिया काम में ले सकते हो, क्वेड केबल है, फिर आपका माइक्रोवेव लिंक भी काम में ले सकते हो डिजिटल या एनालॉग, फिर आप ओएफसी काम में ले सकते हो, और फिर आपका डार्क फाइबर, डार्क फाइबर मतलब होता है फाइबर डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है, अगर आपका कोई मॉडेम ऐसा हो जो डायरेक्ट फाइबर को सपोर्ट करता हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो टी नेटवर्क का जो मतलब होता है, ये एक मिनट फोटो में आपको यहाँ बता देता हूँ, ये रहा आपका, तो ये इस तरह से रहता है। जैसे यहाँ पर आपकी ये डेटा लॉगर 65 है, ये 66 है, इस तरह से ये नेटवर्क चलेगा। तो यहाँ का आंसरिंग जो है वो रिंग में जब जाएगा तो सामने वाले पे ओआरजी पे कनेक्ट होगा, इधर का जो ओआरजी है वो पीछे आंसरिंग पे, इसका ओआरजी इधर के आंसरिंग पे, इस तरह से ये रिंग बनेगा और ये आपका बाई डायरेक्शनल पाथ हो गया। टी नेटवर्क के लिए क्या करते हैं, अपन एक्सटर्नली एक मॉडेम और कनेक्ट करते हैं बीच में सुटेबल प्लेस से। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल, एक्चुअल में मैंने बताया था आपके टी नेटवर्क के लिए अलग से एक मॉडेम कनेक्ट होगा, और इस मॉडेम पे अगर ये ओआरजी काम में लिया तो यहाँ पर आंसरिंग मॉडेम काम में लेके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या किया, इसने बीच में से एक तीसरा पाथ उपलब्ध करा दिया, इसको बोलते हैं टी नेटवर्क। और आरटीयू जो कनेक्ट करनी होती है, तो आरटीयू जब नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे तो वो नेटवर्क में सीधे डेटा नहीं भेजती, ये आपके जिस खंड में लगी हुई है
उसके वहां पर आप एक्सटर्नल मोडेम, जैसे यहाँ पर ये दोनों पोर्ट काम में आ गए, तो एक्सटर्नल मोडेम यूज करके आप इसको कनेक्ट करोगे, और यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं दो स्टेशन के बीच में, तो इसको यहाँ पे एक्सटर्नल मोडेम लगा के इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो बाई डायरेक्शनल वे में इसको कनेक्ट करता है, ताकि मान लो अगर एक तरफ से भी आपका कनेक्टिविटी लॉस हो या कुछ भी हो, तो उसकी वजह से आपका डेटा लॉस नहीं हो, तो ये टी नेटवर्क यहाँ पर अपन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन टी नेटवर्क। तो नेटवर्क की जो तीन टोपोलॉजी काम में लेते हैं जिसके ऊपर आपका ये नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा, तो एक आपका बाईडायरेक्शनल है, एक आपका टी नेटवर्क है। तो अगर आपका 50 मीटर के अंदर अगर कम्युनिकेशन करना, तो सीरियल कम्युनिकेशन आप काम में ले सकते हो लाइन ड्राइवर यूज करके। 3 मीटर से 1 किलोमीटर तक अगर आपने, सॉरी 3 किलोमीटर तक आता है लाइन ड्राइवर सेल भी यूज एट 3 किलोमीटर, सॉरी 50 मीटर से ज्यादा, 50 मीटर से कम है तो आपका RS-232 या RS-423 अलग अलग कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल आते हैं, तो 50 मीटर तक आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए मैंने आपको बताया था लाइन एक्सटेंडर आएगा, और एक लाइन ड्राइवर आता है, तो उसमें 3 किलोमीटर तक आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा दूरी है तो वहां पर आप 4 वायर का लीज्ड मॉडेम यहाँ पर काम में लेंगे। अब आपका ये जो मॉडेम जो है ये आपका 4 वायर मॉडेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4 वायर मॉडेम। और दो तरह के मॉडेम आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो आता है वो आपके डेटा लॉगर के अंदर ही लगा रहता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो अपन बाहर से लगाते हैं। आपके यहां पर डेटा लॉगर से डेटा लॉगर जो डेटा ट्रांसफर रेट है, या डेटा लॉगर से एफईपी तक, वो 9.6 kbps रहेगी, और एफईपी से आपकी जो सीएमयू के बीच में होती है वो आपकी 57.6 kbps होती है। फिर आपका नेटवर्क में जब कनेक्ट करोगे, तो मैंने बताया था जहां पर भी आप सेंट्रलाइज या रिमोट लोकेशन में मॉनिटर करना चाहते हो, वहां पर एक इक्विपमेंट लगता है जिसको बोलते हैं एफईपी, फ्रंट एंड प्रोसेसर। तो वो आपको इस तरह से आपको एक यूरो कैबिनेट दिखाई देगी, जिसमें पहले नंबर पर आपका ये सीपीयू कार्ड रहेगा। सीपीयू मतलब वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे भी मोटोरोला का प्रोसेसर ही काम में लिया है 68000। इसमें भी आपके आवश्यक सॉफ्टवेयर रहेंगे, जिसमें NMDL तो होना ही है, और यहाँ पर ये बाजू में जो लगे इनको पोर्ट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पोर्ट। और यहाँ पर आप 4 पोर्ट लगा सकते हैं मैक्सिमम, और इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आपको एक्सटर्नल मॉडेम की यूज करना पड़ता है, ये आपके इंटरनल मॉडेम रहेंगे। इसका जो इनपुट रहेगा वो 24 वोल्ट DC रहेगा, और इसका भी जो कैपेसिटी है डेटा स्टोर करने की वो 10 लाख पैकेट्स की है। ठीक है, और इस सीपीयू कार्ड के ऊपर भी मेन मशीन इंटरफेसिंग टूल्स के रूप में कीपैड और आपका ये LCD डिस्प्ले रहेगा, और एक आपका एक क्लॉक है जो रियल टाइम क्लॉक के बारे में जानकारी देगा, और यहाँ पर जो LED लगी है वो आपके इस FEP के हेल्थ के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अब यहां पर ये जो पोर्ट है टोटल 12 नंबर सीरियल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं एक FEP के द्वारा, जिसमें COM1, COM2, COM3 डालेंगे, और डिफरेंट टाइप से जो लूप आ रहे हैं वहां पर आप उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉल्ट एनालिसिस सिस्टम से। और यहाँ पे FEP आपका ये इंटरमीडिएट स्टेज की तरह काम करता है, यानी नेटवर्क से जो डेटा आ रहा पहले FEP में आता है, और FEP इस डेटा को क्या करता है आपके CMU को देता है, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट को देता है। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट कुछ नहीं, एक आपका सिंपल कंप्यूटर है, लेकिन ये सेंट्रल प्लेस पे लगा होता है, और आपके वे साइड में जितने भी डेटा लॉगर है वो उसी जगह पे मॉनिटर किए जा सकते हैं, इसलिए इसको सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट बोलते हैं CMU। और इसकी जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। पहले टाइम में जब रेलनेट का सर्वर नहीं था तो अपने ये TB में डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती थी, तो उसके लिए अपन एक्सटर्नल से हार्ड डिस्क काम में लेते थे, और अभी आजकल रेलनेट का सर्वर मिल गया है तो अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने रेलनेट के सर्वर पर भी डेटा आपके स्टोर होते हैं। तो ये आपका CMU हो गया, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट। तो यहां पर अपन ने इसके बारे में बात की, आपका जो डेटा लॉगर है क्या क्या चीजें होती है। अब अपन बात करेंगे ऑपरेशन के बारे में, डेटा लॉगर में क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था दो है, एक तो आप PC के ऊपर कर सकते हो, एक आप इसके पैनल के ऊपर कर सकते हो। ये जो फ्रंट सॉरी डेटा लॉगर का जो मैन मशीन इंटरफेसिंग टूल्स दिया गया है उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आपका जो है
डेटा लॉगर का ऑपरेशन जो है वो सिंपल है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। जब आप डिफॉल्ट कंडीशन में, मैंने कहा था, आप जब देखोगे तो वो आपके नेटवर्क में पैकेट के स्टेटस को शो करता है। टी मतलब ट्रांसमिट कितने हो चुके हैं, एफ मतलब कितने पैकेट्स फेल हुए, डी मतलब कितने डिले हैं, कितने पेंडिंग में पड़े। और यहाँ पे कॉम वन कॉम टू यानी आपके दो चैनल को बताते हैं, आपके रिंग टोपोलॉजी में उसको ये दर्शाते हैं। अब आपके की पैड पे ये आपका डिफॉल्ट डिस्प्ले है। की पैड पे मैंने बताया था 0 से 9 आपके न्यूमरिक कीज रहेगी और 2 स्पेशल की होती है स्टार और हैश। तो हैश का प्रयोग अपन कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते हैं, स्टार का प्रयोग अपन मेंटेनेंस के लिए करते हैं। स्टार का एक और प्रयोग है, आप जिस स्टेज पे जा चुके हो एक्चुअल में, इसमें जो कमांड चलता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, बैक डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो उसके लिए जब भी आपको आगे चलेगा और आपको लगता है कि मेरे को पीछे किसी और डेटा को देखना है, उस समय आपको स्टार बटन को दबाना। स्टार बटन को जैसे आप दबाओगे तो डिफॉल्ट ये पहले पेज पे लिखा जाएगा, तो आपका जो स्टार है वो मेंटेनेंस के लिए काम में लेंगे। या फिर जिस स्टेज पे आगे बढ़ चुके हो और आपको लगता है मेरे को पीछे जाना है, तो आप स्टार बटन दबाओगे तो आपका मेन मेनू वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप इस डिफॉल्ट डिस्प्ले पर स्टार बटन प्रेस करते हो तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें आपका ये 1 नंबर पे डेटा लॉगर लिखा है, 2 नंबर पे रिले हट लिखा है, 3 पे फ्लैश मैम और 4 पे मेमोरी कार्ड, MEM कार्ड। डेटा लॉगर का मतलब है आप एक्चुअल में ये जो फंक्शन है उसके आगे एक नंबर लिखा है, तो आपको खाली कुछ नहीं करना है। ये जो फंक्शन जो आप काम करना चाहते हो, जैसे डेटा लॉगर को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो 1 नंबर प्रेस कर लो, रिले हट लिखा है, कहीं कहीं पे एक्चुअल में क्या है केबिन होगी वहां पे डेटा लॉगर लगा था, आप उसको मॉनिटर करना चाहते हो तो आपको 2 नंबर प्रेस करना है। यहाँ पर यह आपका ई हो सकता है, यहाँ पर आपका RTU यूनिट हो सकती है। तो जिसके भी डेटा आप देखना चाहते हो तो जो यहाँ लिखा है उसका डेटा देखना, तो आपको क्या प्रेस करना है, 2 नंबर प्रेस करना। फिर आपकी फ्लैश मेमोरी की स्टेटस जानना, यानी अंदर जो मेमोरी आपकी है डेटा लॉगर की उसके स्टेटस को जानना, तो 3 नंबर पे चले जाओ। मेमोरी कार्ड को जानना तो 4 नंबर, यानी एक नंबर आगे का है वो इसका कमांड। जैसे ही आप जैसे डेटा लॉगर को देखना चाहते हो 1 नंबर प्रेस करोगे, आप जैसे ही 1 नंबर प्रेस करोगे तो एक नई विंडो खुलेगी, तो उसके ऊपर आपको ये 8 कमांड दिखाई देगी और 8 फंक्शन के आगे फिर नंबर लिखे हुए। 1 पे लिखा है टाइम, 2 पे लिखा है PGE पेज बोलते हैं इसको, 3 पे लिखा है DGT मतलब डिजिटल, 4 पे लिखा है ENG मतलब एनालॉग, 5 पे लिखा है फॉल्ट, 6 पे PRN मतलब प्रिंट, 7 पे TMP मतलब टेम्परेचर, 8 मतलब PWD यानी पासवर्ड। तो ये एक्चुअली में आपके फंक्शन हो गए। यहाँ पे भी आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो जो आगे नंबर लिखा है उसको डिस्प्ले करना है। जैसे 1 नंबर है तो आप इसको प्रेस करोगे तो टाइम पे ले जाएगा, और इस टाइम पे जाकर आप जो रियल टाइम क्लॉक पे जो टाइम और डेट दिख रही है आप उसको चेंज कर सकते। तो ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जैसे आप टाइम चेंज करोगे, जैसे मोबाइल में और आप दूसरे पासवर्ड चेंज कर दो वैसा ही इसमें भी रहेगा। आप जैसे ही टाइम स्लॉट में जाओगे तो टाइम और डेट चेंज करोगे और पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड रहेगा। आप जैसे ही डालोगे तो आपका टाइम और डेट चेंज हो जाएगा। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो डेटा लॉगर का जो टाइम है वो आपके स्टेशन बिल्डिंग के साथ मैच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक्चुअल में आपका जो यूजर है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, तो जो भी फेलियर या कोई भी ट्रबल आएगा तो अपनी क्लॉक के हिसाब से नोट करेगा। और अगर डेटा लॉगर का टाइम अलग रहेगा, इसका टाइम अलग डेट टाइम से ये सेव करेगा, तो जिससे क्या होगा आपको करेक्शन लेके चलना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कंफ्यूजन की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसी संभावना न बने तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका जो टाइम है वो स्टेशन बिल्डिंग से मैच कराते हैं। तो अगर वो मैच नहीं हो रहा तो अपन इसमें जाके इसको सेट कर सकते। दूसरा आपका आता है PG मतलब पेज। ये पेज एक्चुअल में आपकी जो 512 LED का जो मैट्रिक्स था, अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था, 512 LED का जो मैट्रिक्स होता है वो लाइव स्टेटस बताता है डिजिटल डेटा के बारे में, यानी आपका जो डिजिटल डेटा जो आपने कनेक्ट कर रखा है वो अब किस स्थिति में, वो लाइव आप वहां पे देख सकते हो। तो एक समय में वो 512 ही दिखा था, अब आपका डेटा लॉगर की जो कैपेसिटी है वो 4096 की है, तो अब आपको बाकी डेटा को ऑब्जर्व करना है तो आप इस कमांड में जाके कर सकते हो। तो 2 नंबर जैसे प्रेस करोगे तो वहां पर डिफॉल्ट पेज 0 आ जाएगा, फिर आप वहां पर हैश बटन दबाओगे तो आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, बैक जाना तो 0 नंबर प्रेस कर दो तो पीछे वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप पेज चेंज कर सकते हो और वहां पर आप LED को काउंट करके पता कर सकते हो उसका इस समय क्या स्टेटस है। फिर आपका 3 नंबर आता है डिजिटल यानी डिजिटल डेटा, तो 3 नंबर आप प्रेस करोगे तो डिजिटल डेटा, तो वहां पर आपकी नई एक विंडो खुलेगी 3 नंबर प्रेस करने पे। तो जैसे ही करेंगे एक्चुअल में क्या डिजिटल डेटा आपके पास 4096 है, तो इसको देखने में टाइम ज्यादा लगता है, तो इसमें क्या कि कैटेगरी बना दी गई, ग्रुपिंग कर दिया गया उनका, और वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखाई देगा। ऑल मतलब आपके सभी डिजिटल डेटा है, TPR मतलब खाली TPR का स्टेटस आएगा, PNT मतलब पॉइंट, रूट बटन स्लॉट सिग्नल रिले, यानी आपको स्पेसिफिक किस रिले को ऑब्जर्व करना है वो यहाँ पर आप ग्रुप में सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करोगे, जैसे 2 नंबर का, तो 2 नंबर में TPR है तो आपको यहाँ पर ये नई विंडो खुलेगी
ऊपर आपका डेट और टाइम लिखा रहेगा पहली रो में, और दूसरी रो में इस टिपियर का नाम जैसे 101 टिपिया, और राइट साइड में लिखा रहेगा पिकअप या ड्रॉप, जो भी इसका स्टेटस है वो वहां पे आपको मिल जाए। तो इस तरह से अपन डिजिटल डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपका ये हैश बटन रहेगा, तो आपका नेक्स्ट 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 पीछे जाना तो जीरो, इस तरह से इसमें ग्रुपिंग रहती। तो इस तरह आप डिजिटल डेटा को यहाँ पर एक एक करके ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका वास्तविक में स्टेटस क्या है। फिर आपका आता है एएनजी एनालॉग। एनालॉग में एक्चुअल में 96 ही होते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं की गई। जैसे आप इसको खोलोगे तो नई जो विंडो खुलेगी ऊपर आपका डेट आएगा, इधर टाइम आएगा पहली रो में, और नीचे चैनल का नाम जैसे 110 वोल्ट एसी, और इसकी वास्तविक वैल्यू 135.6 वोल्ट एसी। ये एक्चुअल में 3.5 डिजिट के साथ आएगा मैक्सिमम डिस्प्ले में, और यहाँ पर आपका ये जो है वास्तविक वैल्यू आपकी क्या है वो आपको दिखाता है कि उस समय क्या रीड कर रहा है सीपीयू। तो आपको वैलिडेशन के दौरान ये भी चेक करना है कि आपने जो डेटा आ रहे हैं वो वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, बैटरी पे या जो भी वोल्टेज आप मॉनिटर करो मीटर पे, वो रीडिंग और डिस्प्ले पे ये जो रीडिंग आती है वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एनालॉग हो गया। फिर आपने फॉल्ट डिफाइन कर रखे, तो 5 नंबर में जाओगे तो आपको फॉल्ट की लिस्ट मिल जाएगी, आप फॉल्ट वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो। 6 नंबर आपका प्रिंट के लिए, आप 6 नंबर जब प्रेस करोगे तो प्रिंट कमांड दिया जाएगा। प्रिंट कमांड कब देगा ये, जब आपका प्रिंटर डेटा लॉगर से कनेक्ट है। तो एक्चुअल में जनरली अपने स्टेशन पे क्या होता है, डेटा लॉगर के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होता है, तो प्रिंटर भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट। तो प्रिंटर अगर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है तब आप यहां से कमांड दोगे तो प्रिंटर नहीं आएगा, वो उस समय कहां से लेगा, कंप्यूटर से लेगा। अगर आपको डेटा लॉगर से लेना है तो एक्चुअल में अपने जब भी ऑफिसर इंस्पेक्शन पे आते हैं तो वो चेक करते हैं आपको प्रिंटर निकालना आता है कि नहीं आता है। तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना है कि उसने पूछा कहां का है, और अगर डेटा लॉगर से बोला तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना है कि वो प्रिंटर डेटा लॉगर से कनेक्ट होना चाहिए। तो जब आप 6 नंबर प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि आप कौन सा प्रिंटर निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जैसे आप 6 नंबर प्रेस करोगे तो एक नई डिस्प्ले यूनिट खुलेगी आपकी, जो ये बताएगा आपका प्रिंटर का मोड कैसा है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन। तो अगर उसका ऑफलाइन मोड रहेगा तो यहाँ पर ये ऑफलाइन दिखाएगा, और नीचे ऑनलाइन और यूजर लिखा रहेगा। अगर आपको ऑफलाइन का ही प्रिंटर निकालना है, ऑफलाइन का मतलब हो गया जो सेव्ड डेटा है पहले से उसका प्रिंटर निकालना चाहते हो, तो आपको यूजर में 1 नंबर प्रेस करो। जैसे आप 1 नंबर प्रेस करोगे तो ये प्रिंटर निकालने के लिए पूछेगा, ओल्ड डेटा है तो पूछेगा किस दिनांक का, किस समय से किस दिनांक तक, किस समय तक निकाल। जैसे आप वो डालोगे प्रिंटर निकालना चालू। और अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को ऑनलाइन चाहिए, तो आपको ये क्या करना है, 0 नंबर प्रेस करना। 0 नंबर प्रेस करोगे तो प्रिंटर का पहले मोड चेंज होगा, तो मोड चेंज होगा तो ऊपर क्या जाएगा, बाद में ऑनलाइन, और नीचे आ जाएगा ऑफ और ब्रैकेट में U0, यूजर का 1 ही रहेगा। तो जब ये ऑनलाइन मोड में चला गया और आप यूजर का 1 प्रेस करोगे तो ये प्रिंट निकालना चालू करेगा, किसका, जो फील्ड से जो डेटा डेटा लॉगर में आ रहा है उसका डायरेक्ट प्रिंट निकालना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको प्रिंट कौन सा निकालना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन सेलेक्ट करोगे तो यूजर ऑफलाइन मोड में रहना चाहिए प्रिंटर। ऑफलाइन मोड के बाद जब आप यूजर प्रेस करोगे तो ये ऑफलाइन के लिए पूछेगा किस तारीख से, किस समय से, किस तारीख तक, किस समय तक आपको प्रिंट निकालना। जैसे वो दोगे तो प्रिंट निकालना चालू कर दे। और अगर ये ऑनलाइन में निकालना, तो ऑनलाइन में आप जैसे 1 प्रेस करोगे तो लाइव डेटा आपके प्रिंट निकालना चालू। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जब प्रिंटिंग चल रही है उस दौरान अगर आप चाहते हो कि प्रिंटिंग बंद हो, आपको प्रिंटिंग पोज करना है, उसके लिए आपको स्टार बटन दबाना है। जैसे स्टार दबाओगे तो ये प्रिंटिंग को पोज कर देगी, बंद कर देगी, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट कमांड हो गया। उसके बाद आपका आता है टीएमपी टेम्परेचर। तो 7 नंबर पे जाके आप सीधा टेम्परेचर देख सकते हो। तो डेटा लॉगर जहां पर लगा हुआ है वहां का क्या टेम्परेचर है वो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी यानी पासवर्ड, आपका डेटा लॉगर का जो भी पासवर्ड आपको फ्यूचर में चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये आपका स्टार बटन दबाओगे तब होगा, और अगर आप हैश बटन दबाते हो पहले डिफॉल्ट कंडीशन में जो पेज है उस समय आप क्या करते हो, इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हो। किसमें जाते हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हो। तो उस समय आप इसके अंदर जाकर के आप इसकी आईडी और ये सारे चेंज कर सकते हो। डिजिटल डेटा एनालॉग डेटा क्या दे रखे हैं वो सब आप वहां पे जाके कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशन हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पर डेटा लॉगर के बारे में सारी चीजें बताने की कोशिश की, कैसा दिखता है, क्या है। रिले रूम में आप जाओगे तो वहां पर इस तरह की वायरिंग रहेगी, यहाँ पर येलो कलर कोडिंग, येलो कलर के जो भी वायर दिख रहे हैं
ये सब डेटा लॉगर के लिए काम में लिए गए। एक्चुअल में इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए कलर कोडिंग काम में लेते हैं। आपका मैं जो बता रहा था अंदर डालास की चिप होती है उसका नंबर 1286 होता है, ये आपका इंटरनल बैकअप देता है। इसके अंदर एक्चुअल में बैटरी होती है आपकी। ये आपके पीछे वाले पोर्ट मैंने बताए दिए थे डिजिटल इनपुट कार्ड की जो कनेक्टेड, यानी जो आपके 1 से लेके 64 तक जो आएंगे वो इस पोर्ट 1 नंबर पे एक्चुअली यहाँ लिखे रहते हैं नंबर, आप नीचे जाओगे तो देखोगे। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको कितने नंबर के डेटा कहाँ करने, तो उस कनेक्टर को वहीं पे लगाना। तो ये लाइन सर आपको कनेक्ट करने हैं और ये एक्चुअल में डीएसयू पोर्ट है, तो DSU 7 को ये सपोर्ट करता है, तो 7 के लिए यहाँ पर ये पोर्ट बने आते हैं। और एनालॉग के अंदर तो आपको बताया था वेरिएशन प्लस माइनस 5% से ऑब्जर्व करेगा, और इसकी जो नॉमिनल वैल्यू जो रहेगी उसकी एक रेंज रहती है अलार्म एडजस्ट करने के लिए फिक्स रहती है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक्चुअल में जब इनिशियल में जब कॉन्फिग्रेशन करते हैं उस समय करते हैं, तो 230 के लिए जैसे 207 253, तो 207 का मतलब हो गया इससे नीचे जाएगा तो अंडर वोल्टेज, 253 से जाएगा तो ओवर वोल्टेज का मैसेज आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये रेंज वहां पर डिफाइन की जाती है, ये एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। RTU को अपन मिनी डेटा लॉगर भी कहते हैं। एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट करते हैं अपन, तो डेटा लॉगर में अपना जो नया मेंटेनेंस शेड्यूल दिया गया है उसमें ये दिया गया है जब भी आप ड्यूटी पे जाएंगे तो आपको एक्सेप्शनल रिपोर्ट अपने स्टेशन की जनरेट करनी है। इस एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जो डेटा आ रहा है आपका उसको 3 भागों में बांटा है, एक तो आपका मेंटेनेंस के लिए है, एक सेफ्टी के लिए है, एक ऑपरेशन के ऊपर है। मतलब ये जो एक्सेप्शन रिपोर्ट है वो 3 कैटेगरी में बांटी गई जिसका उपयोग अपन एक तो मेंटेनेंस पर्पज के लिए करते हैं, एक आपका सेफ्टी रिलेटेड डेटा होता है, एक आपका ऑपरेशन से रिलेटेड डेटा उसमें होता है। तो इसका उपयोग अपन क्या करते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए करते हैं जो भी डेटा लॉगर के डेटा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मेंटेनेंस की जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज होती है, आपका फेलियर को रिस्टोर करने के जो टाइम लगता है वो यहाँ पर रिड्यूस्ड होता है और इससे आपका जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो जब आप कंप्यूटर में देखोगे तो एक्चुअल में जहां पर ओरेकल वर्जन डाला है तो वहां पर आपका NMDL नहीं रहेगा, वहां पर आपके 2 आइकन रहेंगे, तो एक पे ये से ये रिपोर्ट लिखा है, तो आप इस पे क्लिक करके डबल क्लिक करोगे तो रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में जाके आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, और जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर उस पर डबल क्लिक करोगे तो आप ग्राफिकल वे में वहां पर डेटा देख सकते हो, यानी ग्राफिकल डिस्प्ले आपका आ जाएगा। और जहां पर ओरेकल वर्जन नहीं है तो वहां पर एक आपको इन पे जाने से पहले NMDL को ऑन करना रहेगा। NMDL ऑन करने का मतलब ये होता है आप ये हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर जिस पर आप डेटा ऑब्जर्व कर रहे हो, तो NMDL ऑन करने से क्या होगा आपके डेटा लॉगर के जो डेटा है वो आपके हार्ड डिस्क पे आएंगे, उसके बाद जब आप रिपोर्ट और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर खोलोगे तभी आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। और NMDL में जब तक आपके पास पूरे पैकेट्स नहीं आ जाते हैं तब तक आप इसको रिपोर्ट में या सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में जाके डेटा को एनालिसिस नहीं कर सकते। कब तक का कर सकते हो, जब तक का डेटा आपका NMDL में आ चुका है। और ओरेकल वर्जन में समस्या है नहीं तो रेलटेल से लेते हो, तो आपका जो रेलनेट का सर्वर है वहीं से लेते हो, तो रेलनेट में तो आपका ये हमेशा अपडेट रहता है, तो उसके लिए आपको NMDL ऑन करने की जरूरत नहीं। तो जैसे आप रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑन करोगे तो आपको इस तरह की ये स्क्रीन खुलेगी, स्क्रीन खुलने के बाद आप सेलेक्ट करोगे भी आपका जो स्टेशन है वो किस सेक्शन में आ रहा है। एक्चुअल में डिवीजन में क्या करते हैं नेटवर्क के अलग अलग सेक्शन बना देते हैं, तो आप यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करोगे
तो सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको ओके क्लिक करोगे, इसमें यहां पर आपको इसको चेंज नहीं करना है, खाली आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, नेटवर्क मतलब सेक्शन मतलब किस नेटवर्क में आपका स्टेशन आ रहा है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपकी जैसे RGPU यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप इसको क्लिक करोगे ओके करने के बाद, आपको ये ओके करना है। ओके करने बाद आपका ये स्टेशन ओपन होगा, तो ये स्टेशन विंडो आपकी इस तरह से खुलेगी। तो यहां पर आप खुलेगी तो आपको पहले सेलेक्ट करना है भी आपको करना क्या है। तो अगर आप उस सेक्शन के सभी स्टेशन को देखना चाहते हो या पर्टिकुलर स्टेशन, तो अगर सभी स्टेशन चाहते हो तो यहाँ कर लोगे, अगर आप खाली डेटा लॉगर चाहते हो तो डेटा लॉगर, और RTU यानी रिमोट टर्मिनल को भी चाहते हो तो इन दोनों को क्लिक कर लो, और आप पर्टिकुलर एक स्टेशन चाहते हो तो यहाँ पर आप स्टेशन सेलेक्ट करोगे, और उस स्टेशन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट करोगे कि आपको क्या चाहिए, एनालॉग चाहिए या डिजिटल, और उसके बाद आप यहाँ पे टाइम डालोगे। टाइम डालने के बाद जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपकी विंडो में वो डेटा आ जाएगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी, एनालॉग है तो एनालॉग की, डिजिटल है तो डिजिटल की। तो जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक स्टेशन लिया है, ये पर्टिकुलर कोई एक स्टेशन ये है, उसको आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर डिजिटल डेटा सेलेक्ट है, तो यहाँ पर इस स्टेशन के जितने भी डिजिटल डेटा है उसकी लिस्ट यहाँ पर आपके आ जाएगी। तो जब यहाँ पर ये डेटा आ जाता है तो आपने जो टाइम सेलेक्ट कर रखा है उस टाइम के बाद आपको यहाँ से डेटा सेलेक्ट करना, आप क्या ऑब्जर्व करना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर एक विंडो एरोस दे रखे हैं। अगर आप इंडिविजुअल एक एक डेटा सेलेक्ट करोगे तो सिंगल एरो से करोगे, और डबल एरो करोगे तो सभी को एक साथ यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, और अगर आपको यहाँ से किसी को हटाना है तो ये रेड एरो से आप इसको हटा सकते हो एक एक करके, और डबल एरो से हटाओगे पूरा डेटा हट जाएगा, और जो आपने सेलेक्टेड डेटा किया है उसको आप जब शो पे क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पर एक रिपोर्ट ओपन होगी। जैसे इन्होंने ये डेट और टाइम इस विंडो में दिखा रहे हैं कैसे सेलेक्ट करते हैं डेटा, एनालॉग और डिजिटल। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, जैसे आपको ये पर्टिकुलर एक लेना तो आपका यहाँ एक डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, तो आपको ये इस तरह की रिपोर्ट दिखाई देगी टेक्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर ये क्या है, सीरियल नंबर है, फिर आपका जो भी सिग्नल या जो भी डिजिटल डेटा या एनालॉग चैनल उसका नाम रहेगा, और उसका स्टेटस, अगर डिजिटल डेटा है तो पिकअप ड्रॉप डाउन या अप, और एनालॉग है तो उसकी वैल्यू, 110 वोल्ट का चैनल है तो वहां पर पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यू है, और वो टाइम स्टाम्प यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये है, और इस डेटा को आप यहाँ पर ऊपर जो ये टूल लिस्ट आ रही है इसके अंदर आप जाके जिस फ्रेस में आपको करना है, जैसे आप सेव करना चाहते हो JPG फॉर्म में, या आप सेव करना चाहते हो एक्सेल फॉर्म में, तो ऐसा आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज चेंज करना है, जो भी करना है, या किसी को फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर में काम करते हो वैसे इसमें करना है, ठीक है। तो इसकी सेव करके भी आप रिपोर्ट रख सकते हो, जिसका उपयोग आपको फ्यूचर में जब भी करना हो एनालिसिस में, या कहीं पे कॉपी भेजना हो वहां पे आप इसको कर सकते हो। तो ये आपका हो गया रिपोर्ट सॉफ्टवेयर देखने का। सिमुलेशन के लिए क्या रहेगा, सिमुलेशन में आपको ये सिमुलेशन पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप सिमुलेशन पे डबल क्लिक करोगे तो ये पहले बताओगे कि आपको ऑनलाइन डेटा चाहिए या ऑफलाइन चाहिए। तो यहाँ पर ये नीचे देखो लिस्ट आ रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, फिर आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ से डेट और टाइम देनी है, और जैसे आप स्टार्ट क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी, ये आपकी विंडो। तो ये क्या करेगा, वही जो डेटा थे जो पहले टेक्स्ट फॉर्म में दिखा था, अब वो आपको ये ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएगा, और इस ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पर आपका ये रिले का ऑपरेशन भी दिखाई देगा, और यहाँ पर एक नीचे ये टूल बार लिस्ट दी होती है जिसके अंदर आप इसको टाइम को, जो ऑपरेशन टाइम चल रहा है इसको कम ज्यादा कर सकते हो, आगे पीछे करना है जैसे भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो ग्राफिकल फॉर्म में या सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ये फायदा होता है कि आप विजुअली वहां पर देख सकते हो, एक्चुअल में रिले में क्या एक एक रिले को याद रखना पड़ता है, ग्राफिकल फॉर्म में क्या होता है फॉल्ट को आइडेंटिफाई या ऑटो टाइप जो फेलियर हुआ या कुछ भी हुआ है उसको ट्रेस करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफिकल फॉर्म में आपको उसका स्टेटस विजुअली दिखता है कि वो आपका ट्रैक बॉब हुआ था, क्या हो रहा था वहां पर, क्या फ्लिकरिंग कर गया, या किसकी वजह से वो हुआ है, कितने बजे, तो आप उसको स्क्रीन को तुरंत वहीं पर रोक के पीछे आगे जाके उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। तो नया डेटा लॉगर जब भी लगता है तो इसका वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है, तो वैलिडेशन में अपन एनालॉग और डिजिटल डेटा की इनपुट की लिस्ट अपने पास होनी चाहिए, फिर आपका सिमुलेशन का डायग्राम यानी स्टेशन यार्ड का डायग्राम आपके पास होना चाहिए, यार्ड डायग्राम आपके पास होना चाहिए, फिर आपके पास फॉल्ट लॉजिक जो भी है वो भी आपके पास होने चाहिए, और SIP आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे जब इनपुट्स आपके पास है तब आप इसको प्रॉपर वैलिडेट कर पाएंगे। तो ये आपका डेटा लॉगर का टॉपिक था, जिसके अंदर ये यहाँ पर ये वापस आपको नेटवर्किंग का बता रहा है,
तो नेटवर्क में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो लोकल एंड पर जब आपको चेक करना है तो डेटा लॉगर को क्या करेंगे, RS-232 केबल के द्वारा अपन लोकल पीसी से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये इस डेटा लॉगर को यहाँ पे इसके डेटा को इस पीसी पे उपलब्ध करवा देगा, इसको अपन फॉल्ट एनालिसिस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और जब नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे तो उस समय आप एक से ज्यादा डेटा लॉगर रहेंगे, तो प्रॉपर इंटरफेसिंग यूज करते हुए डिफरेंट मीडिया के माध्यम से आप इसको सेंट्रल प्लेस जो भी आपकी यूनिट है वहां ले जाएंगे। तो वहां पर आपको एक अलग से यूनिट की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं FEP, और वहां से आपका एक CMU कनेक्ट रहेगा जहां पर आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो जितने भी नेटवर्क में यहाँ पर डेटा कनेक्टेड है। तो ये आपकी बाई डायरेक्शनल के साथ दे रखा है, और RTU के लिए मैंने बताया था एक्चुअल में ये नेटवर्क में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, तो ये जिस सेक्शन में लगे हैं वहां के अडजोइनिंग स्टेशन पे अपने डेटा को भेजते हैं, तो वहां पर उन डेटा को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक्सटर्नल मॉडेम का यूज किया जाता है। तो ये आपका डेटा लॉगर का टॉपिक था। मेरी तरफ से यहाँ पर ये आज टॉपिक खत्म होता है। कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से पूरा बताने की, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो ये नोट्स आप जरूर रेफर करें, जो आपकी अपनी जो वेस्टर्न रेलवे की साइट है उसके ऊपर ये नोट्स अवेलेबल है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं।